गुड मॉर्निंग गाइस, क्या वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बस चल जाए किसी तरीके से। थैंक गॉड, बड़ी मुश्किल से जो है मैंने सीखा है। ये बताइए, आवाज आ रही है? इवा, मोटिवेशनल, गौरव, अंजलि, सुमित, विनीत, बताइए आवाज आ रही है? मैं एक बार खुद भी सुन लूं। इवा, मोटिवेशनल, गौरव, आ रही है? सब कुछ परफेक्ट है दोस्तों। एक थैंक यू सो मच यार, ललिता मैडम का लाडला, थैंक यू सो मच। नाम भी बता दो अपना, ठीक है? ये पक्का 5-6 लोगों में से ही मिलेगा। रैना, संध्या, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव, फॉर योर बिलीव, जो आप लोगों ने मेरे पे किया और मेरे जो पढ़ाने के तरीके पे आप लोगों ने मेरे पे विश्वास किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं इसे शब्दों में बयां करूं, इतनी मेरी औकात नहीं है। मतलब मैं शब्दों में बयां कर ही नहीं सकती। आप लोगों ने जो मुझे सम्मान दिया है, आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है, आप लोगों ने यार लिटरली मुझे भावुक कर दिया। आप यकीन नहीं करोगे, मैं टेक्निकली इतनी वीक हूं, आप सब लोगों को पता है, लेकिन ये जितना काम है ना, थंबनेल बनाने से लेके पूरी क्लास शेड्यूल करने से लेके, ये सब मैंने किया है। यूट्यूब पे देख देख के मैंने सीखा है, मैंने किया है। तो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी लेट किए, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास। तो दोस्तों, ललिता दहिया अकेडमी में आप सबका स्वागत है, और ये अकेडमी आप लोगों के साथ, आप लोगों के सिलेक्शन तक जुड़ी रहेगी। इसमें मैं आप लोगों को पॉलिटी कराऊंगी, हिस्ट्री कराऊंगी, करंट के कुछ कुछ इश्यूज आपको, अब डेली करंट की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा शॉर्ट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड, हम जो क्या होते हैं यार, अनुच्छेद, तो उनके शॉर्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो क्लास की शुरुआत करते हैं फटाफट, और टैगलाइन है ही मेरी, जीत जाएंगे हम। हेलो, बाहर जाइए, सॉरी गाइस, ठीक है? तो याद रखिएगा, टैगलाइन है ही जीत जाएंगे हम, और किसी भी कीमत पर जीत के रहेंगे। आज की क्लास है पॉलिटी एमसीक्यूज। तो दोस्तों, मेरे बारे में आप जानते हैं, मैं फिर भी बता देती हूं, मैं ललिता दहिया, 8 साल टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने 1.5 साल के आसपास अनअकैडमी पे पढ़ाया है। इसके अलावा अगर सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में मैं अपने अनुभव की बात करूं, तो आईएएस के साथ अलग अलग स्टेट सिविल सर्विसेज के 12 महीने देने का अनुभव है, इंटरव्यूज का अनुभव है, एमए पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है, यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस में है, 6 बार क्वालिफाई है मेरा यूजीसी नेट। इसके अलावा दोस्तों, मैं हिस्ट्री क्यों पढ़ाऊंगी आपको, क्योंकि मेरा आईएएस और पीसीएस हमेशा ऑप्शनल इतिहास रहा है। इसके अलावा दोस्तों, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप इन पे ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे जुड़ सकते हैं मेरे साथ। एक मिनट दोस्तों, मैं एडिट करना भूल गई थी, बस 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 एक मिनट, क्योंकि पेन टैबलेट काम नहीं करेगा उसके बिना, ठीक है? तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, टेलीग्राम आप सर्च करेंगे ललिता दहिया अकेडमी के नाम से, इसके अलावा इंस्टा पे आप ललिता दहिया 1 के नाम से मुझे फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पेज मेरा ललिता दहिया अकेडमी के नाम से ही होगा, तो ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों, बहुत नई शुरुआत है, बहुत छोटी शुरुआत है, सिर्फ आप लोगों के बलबूते, आप लोगों के विश्वास के आधार पे मैंने शुरुआत की। आप लोगों के बिना मैं 0 हूं, ध्यान रखिएगा, आप लोगों के बिना मैं 0 हूं, और आप लोगों का सहयोग और साथ रहा तो मैं हीरो हूं, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और थंबनेल का बटन ऑन कर लीजिए। और मैं, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मुझ में थोड़ा सा भी विश्वास रखते हैं कि मैं उनकी पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट, और जो भी अन्य ऐसे अभी मेंस भी पढ़ेंगे, मैं उनको बेहतर तरीके से करवा सकती हूँ, कृपया करके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अभी कम से कम 1 महीना, 1.5 महीना आप लोगों के बहुत ही ज्यादा सहयोग की जरूरत है दोस्तों। तो शेयर करें अपने व्हाट्सएप पे, अपने इंस्टा पे, अपने फेसबुक पे। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, मैं बस एक मिनट ले लूं, क्योंकि राज, संध्या, सिमरन, सिंपी, गौरव, हंस, महेंद्र, यार सब तो आ गए, थैंक यू सो मच, ठीक है? मनीष, सिमरन, चलो
क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहां तक मैं आपको करवा चुकी हूं क्योंकि अभी समय बहुत कम है। अगर मैं अपने तरीके से चलती तो मुझे शुरुआत से करवाना चाहिए था, लेकिन हम अभी रिस्क नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ये सब हो चुका है, हम वहां से करेंगे जहां से हमने छोड़ा था, क्योंकि समय बहुत कम है दोस्तों। भारतीय संविधान के संरक्षक कहां थे हम? ये बताइए फटाफट, क्वेश्चंस पे आते हैं बिना किसी लेट के। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? फटाफट बताइए, आप सब लोगों को पता है वैधिक प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि का शासन, दृष्टांत और अभिसमय, उपयुक्त में से कोई नहीं, ए बी सी डी। फटाफट बताइए। गौरव कैसे गलत कर रहे हो यार, न्यायिक पुनरावलोकन का आधार पूछा है बच्चे। दो ही आधार होते हैं जुडिशियल रिव्यू के। क्यों गलत हो रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा यार। जुडिशियल रिव्यू के दो ही आधार होते हैं, एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और एक विधि की उचित प्रक्रिया। आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूं मैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था है वो भारत में है, और विधि द्वारा विधि की उचित प्रक्रिया यूएसए में है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का हमारे यहाँ पे क्या आधार होगा? आंसर होगा इसका बी। इतनी जल्दी मत भूलिए बिल्कुल भी, ठीक है। इसका आंसर होगा बी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? फटाफट बताइए, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार राष्ट्रपति के पास है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, लोकसभा के अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय, एबीसीडी। बीपीएससी में भी, अच्छा बीपीएससी में भी पूछा है ऐसे, मैं याद आ गया, सौरभ गोस्वामी का बात है। कल मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए, बीपीएससी का कल एग्जाम था, हालांकि दुर्भाग्य है वो एग्जाम कैंसिल हो गया। उस एग्जाम में पॉलिटी प्लस हिस्ट्री 100% आया है मेरा पढ़ाया हुआ, 101%, ठीक है। तो विश्वास रखिए, पढ़ते रहिए, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। आंसर क्या हो जाएगा इसका, किसको अंतिम अधिकार है? तो सर्वोच्च न्यायालय को अंतिम अधिकार है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन यहां से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे संविधान की व्याख्या कौन करेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय करेंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, तो राष्ट्रपति को कहा जाता है, संसद को कहा जाता है, मंत्रिपरिषद को कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। फटाफट वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, फटाफट और आंसर बहुत बढ़िया। याद रखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में हम समय नहीं गंवाएंगे। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस तरीके के क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए यूपीएससी के एग्जाम में दे देगा कि राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख होते हैं, क्वेश्चन ध्यान से सुनना स्टेटमेंट, राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख होते हैं तथा उन्हें भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है, तो ये कथन क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख होते हैं इसलिए वो संविधान के संरक्षक भी होते हैं, ये कथन सही होगा कि गलत होगा? बहुत बढ़िया, बिल्कुल गलत होगा। ध्यान रखिएगा, संविधान के संरक्षक हैं सर्वोच्च न्यायालय, और जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय के पास, और जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, न्यायपालिका की वो शक्ति जिसके माध्यम से न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका के कार्यों को या कानूनों को वैध या अवैध घोषित कर सके। यदि वो कानून संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उनको अवैध घोषित करने की शक्ति किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन आईएएस 2015 में पूछ लिया गया, आप सब लोगों को आता है, फटाफट बता दो। भारत के संविधान का अभिरक्षक, कस्टोडियन, संरक्षक एक ही बात है, किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा सचिवालय, उच्चतम न्यायालय। थैंक यू शालू, थैंक यू सो मच। ध्यान रखना आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। अब यहां पे एक बात सुन लीजिए, आईएएस की परीक्षा के 100 क्वेश्चन में 15 से 20 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो हलवा होंगे आप लोगों के लिए, और यही वो क्वेश्चन होंगे दोस्तों जो आपको या तो एंट्री कराएंगे या फिर बाहर कर देंगे। ये उन्हीं क्वेश्चन में से है, ऐसे क्वेश्चन किसी भी कीमत पे गलत नहीं होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आंसर सर्वोच्च न्यायालय। अब जैसे ये आप लोगों से नहीं पूछूंगी, भारतीय संविधान का अभिभावकत्व निहित है, तो अभिभावक कह लो, संरक्षक कह लो, सब कहां है, सर्वोच्च न्यायालय। तो बिल्कुल याद हो गया होगा, ठीक है।
मैं क्वेश्चन रिपीट करके क्यों पढ़ाती हूँ, जो नए स्टूडेंट है वो ध्यान से सुन लीजिए, ताकि हम एक क्वेश्चन को इतनी बार पढ़ लें हमारे दिमाग में चीजें सेट हो जाए। डिलीट करने को तो एक मिनट में डिलीट कर सकती हूँ। क्वेश्चन बताओ भाई फटाफट। केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है, यानी केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी एक्सक्लूसिव पावर्स है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। दोनों सही है, सही व्याख्या है। दोनों सही है, सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। फटाफट बता दीजिए जिसने ये क्वेश्चन। वेरी गुड टीएच, बहुत बढ़िया शेरल गौरव। इसका क्या मतलब है यार कि आप एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनते हो। मैं जहां पहले पढ़ाती थी वहां इस क्वेश्चन को मैं डील करा चुकी हूँ, 3-4 दिन पहले ही। मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में डील कराया था मैंने। मुगैम्बो को खुश कर दिया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आंसर क्या होगा? डी। सुन लो ध्यान से, ये क्वेश्चन आईएएस 2016 या 17 में पूछा है, सेम क्वेश्चन। ध्यान रखना, केंद्रीय कानूनों का बोल रहा है संवैधानिक वैधता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की अनन्य शक्ति है। अनन्य का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूसिव, यानी कि यदि केंद्रीय कानूनों की वैधता के ऊपर क्वेश्चन उठता है तो केवल सुप्रीम कोर्ट ही उसको अवैध घोषित कर सकता है, ये बोल रहा है ये। लेकिन ये गलत होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय भारत में एकीकृत न्यायपालिका नहीं है, ये बात आपको पता, सॉरी दोहरी न्यायपालिका नहीं है, ये बात आपको पता है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, और केंद्रीय कानून यदि संवैधानिक उल्लंघन कर रहे हैं तो उन केंद्रीय कानूनों को अवैध घोषित करने की शक्ति किसकी? हाई कोर्ट की भी होगी और सुप्रीम कोर्ट की भी होगी। समझ में आया? तो पहला गलत है, अनन्य मतलब एक्सक्लूसिव, सुप्रीम कोर्ट ही नहीं कर सकता, हाई कोर्ट भी कर सकते। और दूसरा, आपको अच्छे से पता है सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के संरक्षक है। आंसर हो जाएगा ए गलत है, आर सही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बताओ भाई फटाफट, उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? आर्टिकल सहित बताओगे? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, किसी भी उच्च न्यायालय को, उपर्युक्त सभी को? फटाफट। क्या कर रहे हो? अच्छा ठीक है, विनीत, यूपीएससी मिशन, पवन, सत्यम, बहुत बढ़िया, टीएच, शेरल, प्रमोद, थोरी, हिंदुस्तान की, फातिमा, राय, कुलदीप, रुचि, मौर्य, आदर्श, बहुत ही बढ़िया यार। आर्टिकल भी आप लोगों को पता है, इस 143 पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं आईएएस में। 3-4 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इसके 6 से 7 पॉइंट बताऊंगी जो याद रखने हैं, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। पहली बात, आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से नहीं भाई, महामहिम है, ध्यान रखना, महामहिम हाई कोर्ट से नहीं सलाह लेंगे, सुप्रीम कोर्ट से लेंगे। दिमाग में बैठ गई चीज? कभी यदि कंफ्यूज कर दे, 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट से भी सलाह लेने का अधिकार रखते हैं तो कथन हो जाएगा गलत, फंसाएगा, फंसना नहीं है, ध्यान रखना। महामहिम सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेंगे अनुच्छेद 143 के तहत, पहली बात। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ना तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है और ना ही राष्ट्रपति महोदय सलाह मानने के लिए बाध्य है, ध्यान रखिएगा। और यहां मैं एक एग्जांपल आप लोगों को बताती हूँ, राम मंदिर के ऊपर राष्ट्रपति महोदय ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि भाई थोड़ी सलाह दे दीजिए हमको, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। ये एग्जांपल क्यों आप लोगों को बताया? ताकि आपके दिमाग में ये याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है सलाह देने के लिए, समझ गए? तो ना तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य है सलाह देने के लिए, ना राष्ट्रपति बाध्य है सलाह मानने के लिए। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, दो तरीके के मुद्दे होते हैं, एक मुद्दा होता है लोक महत्व का और एक होता है संविधान। ध्यान से रखना, यहां से क्वेश्चन बनता है, संविधान के पूर्व की विधियां। देखो, यदि ध्यान से सुनो, यदि राष्ट्रपति महोदय लोक महत्व से संबंधित किसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट बाध्यकारी नहीं है सलाह देने के लिए। लेकिन यदि राष्ट्रपति महोदय संविधान के पूर्व की विधियों से रिलेटेड सलाह मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट बाध्यकारी होगा। सुप्रीम कोर्ट क्या होगा? बाध्यकारी होगा, ध्यान रख लेना। यदि पर्टिकुलर ये शब्द दे के आप लोगों से पूछे कि संविधान के पूर्व की विधियों से संबंधित सलाह देने पर सुप्रीम कोर्ट बाध्यकारी है तो वो सही होगा।
लेकिन यदि आर्टिकल 143 के तहत बोले कि बाध्यकारी है तो फिर वो गलत होगा। मुझे एक बात बताओ, जल्दबाजी तो नहीं हो रही, समझ में आई मेरी जो मैं समझाना चाहती हूँ? थम्सअप दे दो अगर समझ में आया, और डाउट है तो पूछ लीजिए। बिल्कुल समझ में आया? ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इवा, पवन, राज, माही, सिमरन, रानी, सुनील, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बताओ भाई फटाफट। उच्च तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया है, कोई जरूरत नहीं है इसकी। यहाँ पे आओ देखो, 2003 का क्वेश्चन है सीधा। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने की शक्ति किसे है? राष्ट्रपति को है। मुख्य न्यायमूर्ति अपनी शक्तियां खुद बढ़ा लेंगे। संसद को है। विधि न्याय कंपनी कार्य मंत्रालय को है। आईएएस 2003 का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। राय, शेरल, सुधा, टीएच, प्रमोद, मनीषा, अंजलि, बहुत ही बढ़िया। याद रखिएगा दोस्त, आंसर क्या हो जाएगा? संसद। पहली बात कि यदि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र बढ़ाना है तो ये कौन बढ़ाएगा? संसद बढ़ाएगी, नॉर्मल साधारण कानून के द्वारा। कभी ये अगर स्टेटमेंट में दे दे कि जो राष्ट्रपति हैं वो न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं तथा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने की शक्ति भी राष्ट्रपति में निहित है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमको ये ध्यान रखना है कि भाई अधिकार क्षेत्र बढ़ रहा है तो उसे हम कानून के तहत बढ़ा सकते हैं, और कानून कौन बनाएगा? तो कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कौन बढ़ा सकता है? ये देखो आईएएस 2003 में पूछा, यहाँ पे भी पूछ लिया है, फटाफट बता दो, सब लोगों को पता है। राष्ट्रपति बढ़ाएंगे, संसद प्रस्ताव पारित करके बढ़ाएगी, संसद विधि द्वारा बढ़ाएगी, भारत के मुख्य परामर्श। तो मैंने आपको बताया है साधारण विधि, बहुत बढ़िया। यहाँ बी और सी में कंफ्यूज हो सकते हो। नंदिनी नहीं, पवन, बच्चे ध्यान से, दो चीजें लिखी हैं, संसद एक प्रस्ताव के द्वारा, संसद विधि द्वारा। तो ध्यान रख लेना, विधि द्वारा संसद इस क्षेत्राधिकार को बढ़ाएगी। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है ललिता दहिया अकेडमी, जो मेरे यूट्यूब का नाम है वही मेरे टेलीग्राम का नाम है, ललिता दहिया अकेडमी, ध्यान रखना। जैसे अब आप लोगों से नहीं कराऊंगी तो सेम क्वेश्चन है, कौन क्षेत्राधिकार बढ़ा सकते। अब देखो भाई, आईएएस 1994 का क्वेश्चन है, आईएएस 1994 का क्वेश्चन है, और आप लोग करोगे इस क्वेश्चन को। उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता, ये परामर्शी अधिकारिता आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगा, यानी आर्टिकल 143 के विषय में क्या क्या सही पूछा है, क्या पूछा है, क्या क्या सही है। पहला कथन है, उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है, ध्यान से करना, उच्चतम न्यायालय के लिए बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे। दूसरा, परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है, यानी कि यदि राष्ट्रपति सलाह मांगते हैं तो न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करेगी, अकेला न्यायाधीश सलाह नहीं देगा कि आइए महोदय राष्ट्रपति महोदय जी ये लीजिए सलाह। ठीक है, दूसरा, परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होगा, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने मत दिया है वो सरकार पर बाध्यकारी नहीं होगा। सब पता है आप लोगों को, उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है, मतलब एक बार में एक ही सलाह ली जा सकती है। एलिमिनेशन मेथड का कृपया करके प्रयोग कर लेना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, क्लियर है। नेहा, एंजल, लिज्जत, शेरल, आदर्श, एंडी यादव, नंदिनी, क्या बात है यार, कैसे करेंगे क्वेश्चन को? सबसे पहले काट दिया, एक गया, एक टाइम टाइम फिश। ठीक है, उच्चतम न्यायालय पे एक बाध्यकारी नहीं होता है यदि आर्टिकल 143 के तहत सलाह मांगी जाती है तो। राम मंदिर वाला एग्जाम्पल याद रखना है, एक गलत होते ही हम गए ऑप्शन पे, भाई साहब यहाँ पे भी एक है काटो, यहाँ पे भी एक है काटो, बच गया दो, तीन और दो चार। यहाँ पे मैं दो में कंफ्यूज हो सकती थी,
है ना, एज अ स्टूडेंट दो में कंफ्यूज हो सकती थी कि पूरी पीठ सलाह देगी कि एक न्यायाधीश सलाह देगा, लेकिन मेरा काम आसान कर दिया ऑप्शंस ने। ये है एलिमिनेशन मेथड जिसका प्रयोग आपको करना ही करना है। यानी आप लोग मुझे ये बताइए, मैं 2 = 100% लिख सकती हूं क्या? यानी 2 तो हर हालत में सही है, 2 तो हर हालत में सही है, बिल्कुल सही बात है आदर्श, 2 = 100%। अब आएंगे हम 3 और 4 पे, तो मुझे ये बताओ 3 क्या 100% हमको नहीं पता है क्या कि आर्टिकल 143 के तहत जो भी सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा वो सरकार पे बाध्यकारी नहीं होता है ना, ना तो सरकार मानने के लिए बाध्यकारी है ना ही सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्यकारी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 101% आंसर हो जाएगा सी सी। अब एक्सप्लेन कर दूं, पहला तो बिल्कुल आपको पता ही है कि बाध्यकारी नहीं है, चौथा ध्यान रख लीजिएगा एक बार में एक ही सलाह मांगी जाए ये अनिवार्य नहीं है, एक बार में एक से अधिक सलाह भी कभी आगे पूछ ले कि भाई एक बार में एक ही सलाह मांगी जा सकती है और ऑप्शन भी ना हो, तो आपको ये ध्यान रखना कि एक ही नहीं एक बार में एक से अधिक सलाह भी मांगी जा सकती है। समझ में आ गया? ध्यान रखिएगा, ठीक है, 500%, बहुत बढ़िया। ये बताइए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह, ध्यान से वही 143, सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, सभी संवैधानिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श दे सकता है, विधिक मामलों में प्रधानमंत्री को परामर्श दे सकता है, उपयुक्त सभी व्यक्तियों को परामर्श दे सकता है। आंसर बता दो फटाफट। 4 गलत था चंपक, 4 गलत था बच्चे, इसलिए तो काटा 4, एक बार में एक सलाह नहीं बल्कि कई सलाह मांग सकते हैं, ध्यान रखना, बहुत बढ़िया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। राष्ट्रपति 143, प्रधानमंत्री भारत सरकार का कोई प्रोविजन नहीं किया गया है हमारे संविधान में कि भाई उनको अधिकार है सलाह मांगने का, ठीक है। ये बताइए, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, आईएएस 2000 का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। देखो आईएएस में पूछा है, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून तथा तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है अपनी पहल पे, तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, तभी जब मामला नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित हो तभी सलाह देगा सर्वोच्च न्यायालय, तभी जब मामला देश की एकता अखंडता के लिए खतरा पैदा करता। जो नए स्टूडेंट है उनको लगेगा देश की एकता अखंडता, लेकिन आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया, और ये रटा हुआ है आप लोगों को, यहां मैं ना थोड़ा सा ट्रिक बना के आप लोगों को बताती हूँ। ऐसा नहीं होता, वही वाला डायलॉग कि अचानक से एक दिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश महोदय उठे और लगा कि आज जो है सलाह दी जाए राष्ट्रपति महोदय को, है ना, फ्री फंड में सलाह दी जाए, टाइम पास नहीं हो रहा, चलो सलाह दे देते हैं। ये भारतीयों की आदत है बिना मांगे सलाह देने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करते हैं, वो तभी सलाह देंगे जब राष्ट्रपति उनसे सलाह मांगेंगे। ये क्वेश्चन 2 बार आईएएस में पूछा है, याद रखना इस एंगल से, यानी अपनी पहल पे सुप्रीम कोर्ट सलाह नहीं देता है, जब राष्ट्रपति मांगते हैं तभी सलाह देते हैं, याद रख लीजिएगा। आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी, ठीक है, अपनी पहल पे नहीं देंगे, मांगने पे देंगे। ये आप लोगों को नहीं करना है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है, तो अब आप लोगों को रट गया होगा राष्ट्रपति को। अब देखो भाई सेम क्वेश्चन आ गया 2010 में, आप लोग करोगे इस क्वेश्चन को, आईएएस 2010 में, भारत का उच्चतम न्यायालय कहां गया, भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि या विषयों पर सलाह देता है स्वप्रेरण पर, यदि व्यापक, यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि भाई व्यापक लोक हित का मुद्दा है अब तो मुझे राष्ट्रपति को सलाह देनी ही पड़ेगी, ठीक है। दूसरा, यदि राष्ट्रपति ऐसी सलाह मांगता है तो देते हैं, केवल यदि विषय नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित है। अब वैसे ये टफ है लेकिन आप लोग करोगे इस क्वेश्चन को, क्या बात है, केपी, शेरल, अंजलि, टीएच, सोनाली, फातिमा, हंस, छोरी, यूपीएससी मिशन, मनीष, मनीषा, बहुत बढ़िया भाई, एंजल, बहुत ही बढ़िया। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि हमको पता है स्वप्रेरण पर सलाह नहीं देता, ध्यान रखना स्वप्रेरण पर अपने आप सलाह नहीं देंगे, जब सलाह मांगेंगे तभी सलाह देंगे। पहला गलत है, तो पहला गलत तो आंसर या कट गया और कट गया। ऐसे करना है एग्जाम हॉल में एलिमिनेशन मेथड, या तो अब आंसर 2 होगा या 3 होगा। अब हमें पता है कि यदि सलाह मांगेंगे तो ही देंगे, दूसरा तीसरा अपने आप गलत है, ऐसा कोई
पर्टिकुलर संविधान में नहीं लिखा है कि मूल अधिकारों का मुद्दा है तभी, या फिर देश की एकता अखंडता का मुद्दा है तभी, साफ साफ लिखा है 143 के तहत सलाह मांग सकते हैं, वो किसी भी विषय पे हो सकती है। डन, ठीक, आंसर हो जाएगा बी। एक एक चीज को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, और ये जो चीजें मैं थोड़ा सा इसलिए डिटेल से बता रही हूं ताकि याददाश्त में बैठ जाए आप लोगों के। जैसे देखो, बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज है कि गुजरात के विधानसभा चुनाव हुआ था 2002 में, स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की अधिमान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया था कि भाई उच्चतम न्यायालय जी हमें आप सलाह दे दीजिए। तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत किया था, सबको बिल्कुल रटा हुआ है, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आर्टिकल 143 शुरू से बताती आ रही हूं। आर्टिकल 143 ये बताइए क्या आ गया, न्यायालय द्वारा संविधान का अनुल्लंघन या मौलिक ढांचा घोषित करने का अधिकार है, कोई जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। ये बताओ भाई, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा देता है, फटाफट बता दो। सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट की सुरक्षा किस आर्टिकल के तहत देता है, आर्टिकल 74, 56, 16, 32, ABCD। प्रतीक्षा पढ़ाऊंगी, हिस्ट्री की क्लास होगी शाम को 4:30 बजे इसी प्लेटफॉर्म पे, शाम में 4:30 बजे इसी प्लेटफॉर्म पे हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री MCQs होंगे, बहुत ही शानदार तरीके से याद करते हुए, वेरी गुड। याद रखिएगा आर्टिकल 32, ध्यान रखिएगा दोस्तों आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स का संरक्षण करने का अधिकार है, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है आर्टिकल 32 के तहत ये केवल फंडामेंटल राइट के संबंध में ही रिट जारी कर सकते हैं, यानी केवल जब आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 का यूज होगा, लेकिन मौलिक अधिकारों के अलावा और भी तो बहुत अधिकार होते हैं ना, संवैधानिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, या कोई भी 70 तरीके के अधिकार है आपके, तो उनसे संबंधित रिट जाएगी 226 के तहत, समझ में आया। यानी यदि इस तरीके का स्टेटमेंट आता है कि सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के संबंध में रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य अधिकारों के संबंध में भी रिट जारी कर सकता है, कथन होगा सही। इसी कथन को दूसरे तरीके से यदि पूछा जाए कि रिट जारी करने के संबंध में हाई कोर्ट की शक्तियां सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा होंगी, मुझे ये बताओ ये कथन सही होगा कि गलत होगा। हाई कोर्ट की शक्तियां रिट के मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा होंगी, सुनने में अजीब लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा होंगी कि गलत, नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत सही है, सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा होती है रिट्स के मामले में हाई कोर्ट की शक्तियां। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के संबंध में रिट जारी कर सकता है और हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के अलावा जितने भी अधिकार हैं उनके संबंध में रिट जारी कर सकता है। ये बताइए भाई, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए, ये पूछ सकता है स्टेटमेंट में, 20, 10, 8, 25, फटाफट बता दो। फटाफट, वेरी गुड, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तीन चार चीजें याद रखनी है। पहली बात क्या कि 5 वर्ष तक वो व्यक्ति हाई कोर्ट का जज रहा हो, या तो भाई सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए या तो 5 वर्ष तक हाई कोर्ट का जज रहा हो या फिर दस वर्ष तक अधिवक्ता यानी वकील रहा हो, कहां पे, हाई कोर्ट, समझ गए, 5 वर्ष तक जज और 10 वर्ष तक अधिवक्ता। एक क्वालिफिकेशन और होती है, यदि महामहिम राष्ट्रपति महोदय को लगता है कि ये फलाना व्यक्ति कानूनी मामलों का ज्ञाता है, ठीक है, क्यों स्माइल आ रही है, समझ गए होंगे थोड़ा बहुत, हालांकि मैं उतना कानूनी, वो लीगल मामले अलग होते हैं दोस्तों, CRPC और ये, हम तो संविधान पढ़ रहे हैं, लेकिन समझने के लिए ध्यान रखना, मेरा एग्जाम्पल ध्यान रख लेना। यदि राष्ट्रपति महोदय को ये लगता है कि फलाना आदमी जो है ज्ञान रखता है और बेहतर नॉलेज रखता है, तो उसे भी डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं राष्ट्रपति महोदय, ये शक्ति होती है। 3 क्वालिफिकेशन याद रहेंगी, 5 वर्ष तक न्यायाधीश, 10 वर्ष तक वकील और सर्वज्ञाता कानून का, ठीक है, ध्यान रखना। खुश होने में क्या जाता है, ठीक है, खुश हो लेना चाहिए,
कभी फालतू में तनाव लेके अपनी जिंदगी झंड करने का कोई फायदा नहीं है। खुश हो, आगे बढ़ो, पॉजिटिव रहो। बताओ इसकी कोई जरूरत नहीं है दोस्त, ये उस समय का क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन था। ये बताओ, भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा, यह शपथ कौन लेता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, संसद के सदस्य, राज्यपाल? होगा वैभव, एंशियंट भी होगा। थोड़ा सा सब्र करो, मैं टेलीग्राम पे आप लोगों की राय लूंगी कैसे टाइमिंग रखा जाए। साथ नहीं छोड़ूंगी यार, आप लोगों ने इतना साथ दिया तो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। आप लोगों ने, आप लोगों के प्यार ने, आप लोगों के सम्मान ने मजबूर कर दिया मुझे एक नई पहल करने के लिए। कुछ मेरा प्री प्लान नहीं था बिल्कुल भी, ये सिर्फ आप लोगों का सम्मान, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का विश्वास है मेरे प्रति। ठीक है, बहुत बढ़िया, आंसर हो जाएगा बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश संप्रभुता अखंडता की शपथ लेते हैं। ध्यान रखना। ये बताओ, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की अधिकारिता में आएंगे? कौन से मामले ऐसे हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की अधिकारिता में आते हैं? केंद्र राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का प्रवर्तन, संविधान के उल्लंघन का संरक्षण। ऐसा है, ब्लंडर मत करो यहां पे। अभी मैंने अनुच्छेदों के नाम ले लेके बताया है, एकदम चिल्ला चिल्ला के, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। याद रखिएगा दोस्तों, मूल अधिकारों के प्रवर्तन से रिलेटेड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की शक्तियां हैं, हाई कोर्ट 226 और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32। बाकी केंद्र राज्य और राज्य राज्य विवाद 131, याद रखना आर्टिकल 131 को, होमवर्क सुन लो, सरसरी निगाह से देख लेना, फिर मत बोलना मैम आपने बताया नहीं था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, मूल अधिकारिता के संबंध में चार चीजें ही होती हैं। यदि केंद्र और राज्य का विवाद है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, हाई कोर्ट में नहीं जाएगा। यदि राज्य और राज्य का विवाद है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। एक तरफ केंद्र और कुछ राज्य हैं, दूसरी तरफ कुछ राज्य हैं, तो इन तीनों से संबंधित विवाद सीधे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे। एक तो ये बात, दूसरी बात ये ध्यान रख लेना, यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है, दे देगा कि राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के विवाद आर्टिकल 131 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो मुझे ये बताओ, मैंने ये कथन सही बोला कि गलत बोला? वेरी गुड सिंपी, यूटी नहीं। ध्यान से सुनते हो यार आप लोग मेरी बातों को, मुझे बहुत खुशी होती है। ये बात मैंने बताई थी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आईएएस में, उसने दे दिया था राज्य के साथ संघ शासित क्षेत्र, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आर्टिकल 131 में संघ शासित क्षेत्रों का कोई वो नहीं रहता है, ठीक है, तो मूल अधिकारों का प्रवर्तन आपको पता है। ये बताओ, किसी देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? मान लो कोई वाद चल रहा है फॉर एग्जाम्पल केरला में, ठीक है, अब केरल के हाई कोर्ट में मान लो कोई वाद चल रहा है, लेकिन जो पीड़ित है उसको लगता है कि नहीं यहाँ पे मेरी सुनवाई ठीक से नहीं हो पाएगी, या 100 तरीके के रीजन है, तो फिर ये चाहता है कि कहीं और मामला ट्रांसफर कर दिया जाए, तो ये ट्रांसफर करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। एक मामला आया था ना पिछले 5-7 साल में, याद होगा आपको, जम्मू कश्मीर में एक लड़की से रेप हो जाता है और फिर जम्मू कश्मीर में मतलब वो सहमत नहीं होते हैं कि यहां मामला चले, फिर उसको किसी दूसरे कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो ये अधिकार होता है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के पास। राष्ट्रपति बिल्कुल मत रख, याद रखना। अभी मैं एक फाइनल रिवीजन कराऊंगी जब हमको 3-4 चीजें याद रखनी है। ध्यान रखिएगा, एक केस एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय की होती है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं होता यहाँ पे। वेरी गुड, ये 1983 का है, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आ जाओ भाई, आईएएस 2005 का क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है, ध्यान से। संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती। स्माइल आ गई होगी क्योंकि पता है, बोल रहा है संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती क्योंकि उसकी अधिकारिता वही होती है जो संविधान ने प्रदान की है, ठीक है। अगला, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक संबंध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं
और न्यायालयों का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है। पहला तो कर लोगे, दूसरा ध्यान से पढ़ लो, ब्लंडर कर रहे हो, ध्यान रखना, भयानक ब्लंडर। अब पढ़ूं एक बार ध्यान से, यदि आप लोगों की आज्ञा हो तो। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट के अधिकारी और सेवक संबद्ध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालयों, देखो उलझा दिया, लैंग्वेज में उलझा दिया। अब मुझे ये बताओ, एक सेंटेंस चल रहा है कि राम और श्याम दोनों क्रिकेट खेलने जाते हैं तथा वो क्रिकेट खेलने के बाद पढ़ाई भी करते हैं, क्यों समझाना जरूरी है, लैंग्वेज समझिए। यदि मैं बोलूं राम और श्याम दोनों क्रिकेट खेलने जाते हैं तथा वो क्रिकेट खेलने के बाद पढ़ाई भी करते हैं, तो मुझे ये बताइए वो में राम प्लस श्याम दोनों आएंगे कि नहीं, हाँ या ना। अब देखो कितनी जल्दी पलटी मारते हैं, आगे सीधा डी पे। पहले मुझे ये बताओ राम और श्याम दोनों आएंगे ना जी। अब यहां पे यह ऐसे ही उलझाया है आपको, बोल रहा है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक संबद्ध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, और न्यायालयों मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पे, भारत की संचित निधि पे बोल रहा है। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पे भारित होते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के प्रशासनिक व्यय संबंधित राज्य की संचित निधि पे भारित होंगे। बुझे कि नहीं बुझे, बताओ फटाफट, ब्लंडर कर दिया। थम्स अप दे दो यार। इसलिए मैं आपको बोल रही हूं, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो ना बच्चे, किसी भी क्वेश्चन को आसान नहीं समझना है, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिले, लेकिन मिलेंगे जितना पढ़ाया है और आप लोगों ने जितना कंसेप्चुअली पढ़ा है वहीं से ही। सिंपल सा क्वेश्चन था यार, दो बिल्कुल गलत है, क्योंकि राज्य की संचित निधि से जाएगा हाईकोर्ट का, भारत की संचित निधि से नहीं। और पहला क्यों गलत है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम कई राउंड कर चुके हैं कि उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता या क्षेत्र विस्तार करने का अधिकार किसके पास है, तो संसद के पास है, संसद विस्तार कर सकती है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी। ठीक है, बहुत बढ़िया। सीबीआई एटीट्यूड, ठीक है। दीपिका दीक्षित, 12:30 वाली क्लास नहीं होगी बच्चे, 4:30 हिस्ट्री की क्लास होगी, 4:30 हिस्ट्री की क्लास होगी, और एक दो दिन में मैं ये रिजोल्व कर दूंगी कि एंशियंट कब होगा और मॉडर्न कब होगा। पॉलिटी तो इसी समय पे चलेगा, आज हम 4:30 मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, 2 घंटे की क्लास होगी, ठीक है, इसलिए खा पी के बैठना। बताओ भाई फटाफट, आईएएस 2008 का क्वेश्चन है, वी आर कृष्ण अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे, वी आर कृष्ण अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में पीआईएल के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं। कई बार ये टफ क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हो, क्यों छोड़ सकते हो, पहली बात जो वी आर कृष्ण अय्यर है ये भारत के न्यायमूर्ति थे कि नहीं, तो ध्यान रखना न्यायमूर्ति नहीं थे। अब यार इतने न्यायमूर्ति बन चुके हैं, अब हम रटेंगे तो नहीं कौन कौन न्यायमूर्ति रहे हैं कौन कौन नहीं रहे हैं, मेरी बात से सहमत हो ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन में गलत होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे पूछ लिया वी आर कृष्णा अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे, अब हमें क्या पता यार थे कि नहीं थे, लेकिन अगर कभी रिपीट कर दे इसलिए बता रही हूं कि वी आर कृष्णा अय्यर कभी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं। दूसरा कथन ध्यान रखना ये सही है, पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की अवधारणा से वी आर जो कृष्णा अय्यर का भी इसमें पार्टिसिपेशन था, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। जैसे पीआईएल से एक सीधा क्वेश्चन ये बताओ भाई, गलत मत कर देना, भारत के संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी संरचना का सिद्धांत का स्रोत है संविधान, न्यायिक व्याख्या, न्यायविदों का मत, संसदीय कानून, यहां आप बी और सी में कंफ्यूज हो सकते हो, मुझे आंसर बताओ। वेरी गुड भगवती आनंद, बिल्कुल सही बात है, आंसर 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 ऐसा है, छोड़ के भाग जाऊंगी मैं, ये आंसर मत गलत कर देना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। याद रखना दोस्तों न्यायिक व्याख्या, संविधान में तो मूल संरचना का जिक्र ही नहीं था, ध्यान रखिएगा, न्यायविदों के मत से कोई लेना देना नहीं है, कानून से नहीं आया, अलग अलग न्यायिक व्याख्याओं से आया। आपको याद रखना है केशवानंद भारतीवाद 1973 मूल संरचना की अवधारणा दी, क्या कहा
केशवानंद भारतीवाद में, एक लाइन में सुन लो कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन ये संशोधन 368 के तहत ही कर सकती है संसद, 368 के तहत ही कर सकती है, सामान्य कानून बना के नहीं। दूसरी बात बोली, लेकिन संसद को मूल ढांचे में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। ये मूल ढांचा क्या होगा ये हम समय समय पे बताएंगे, केशवानंद भारतीवाद में कहा गया। तो मूल संरचना कहां से आई, न्यायिक व्याख्या से आई, ठीक है। ये बताइए भाई, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका क्या आशय है, अभिलेख न्यायालय का आशय क्या होगा? इसे अपनी सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होता है, इसे सभी इसके सभी निर्णयों का साक्षात्मक मूल्य होता है, और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। यानी जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसका एक साक्षात्मक मूल्य होता है, और उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते दूसरे न्यायालय। इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति होती है, इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। यहां पे आप लोग गलत कर रहे हो कई बच्चे। आंसर वेरी गुड मनीषा, संस्कृति, सचिन, मोहित, रुक्मणी, बहुत बढ़िया। याद रखिएगा दोस्तों, अभिलेख न्यायालय। अब जैसे कई बच्चे क्या होंगे ना, जो बिल्कुल नई शुरुआत कर रहे हैं, पता है क्या कहेंगे, अभिलेख यहाँ पे भी है, अभिलेख यहाँ पे भी है, आंसर मारा टिक। उसके बाद पता है क्या सोच रहे हैं, यार इतना आसान क्वेश्चन कैसे पूछ सकती है यूपीएससी। ध्यान रखना, अभिलेख न्यायालय का मतलब केवल अभिलेख नहीं होता है, इसका आंसर होगा बी। अभिलेख न्यायालय का ही मतलब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का साक्षात्मक मूल्य होता है, और किसी भी हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता कोई भी हाई। और दूसरी बात क्या कि यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट को दंडित, सुप्रीम कोर्ट उस संस्था उस व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति भी रखता है। यदि इसका आंसर बी और सी होता ना ऑप्शन में, कि बी भी होगा और सी भी होगा, तब आंसर हम करते डी, मतलब ये बी प्लस सी करते। लेकिन यहां सबसे करेक्ट है, अभिलेख न्यायालय का मतलब ही है कि साक्षात्मक मूल्य होता है। समझ में आ गया, क्या बोल रहे हो मैम, बी नहीं होता तो ए सही होता। अभिलेख तो रखना ही होता है, वो बात सही है, लेकिन बी होता ही दोस्तों। अभिलेख का मतलब ही क्या होता है कि साक्षात्मक मूल्य होता है, कोई भी हाईकोर्ट उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। जैसे बताओ नीचे दिए गए में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है, अभिलेख न्यायालय किसे माना जाता है, केवल उच्च न्यायालय को, केवल उच्चतम न्यायालय को, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय को, जनपद न्यायालय को, आंसर बता दो फटाफट, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। बिल्कुल मोहित, बिल्कुल सही बात है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। याद रखिएगा, अभिलेख न्यायालय केवल उच्चतम न्यायालय नहीं होता। मान लो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का तो साक्षात्मक महत्व होता ही है, ये आपने देख लिया। ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट के निर्णयों का भी साक्षात्मक महत्व होता है, और जो जूनियर न्यायालय है, जिला न्यायालय वगैरह है, वो उनका उल्लंघन नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को क्या है, अभिलेख न्यायालय होता है। यहीं पे एक बात और बताओ मुझे, मुझे ये बताओ, दो तरीके के न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है, ठीक, एक कार्यवाहक न्यायाधीश होते हैं, एक तदर्थ न्यायाधीश होते हैं। तो मुझे ये बताइए कि तदर्थ न्यायाधीशों की, कभी क्वेश्चन पूछ ले, तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट में भी की गई है, ये कथन सही होगा कि गलत होगा? बताओ फटाफट, डेली क्लास होगी, बिल्कुल डेली होगी पवन, गलत होगा, ध्यान रख लेना, याद है, चेहरे पे स्माइल आ जाती है जब आपको छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। ध्यान रखना, तदर्थ न्यायालय पढ़ा था ना, जब सुप्रीम कोर्ट में कोरम पूरा नहीं होता ना, मान लो कोरम से ही फैसले लेंगे, मान लो कोरम पूरा नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था करता है, हाई कोर्ट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अब यहां पे ही दो चीजें और सुन लो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है, इसलिए बता रही हूं दोस्तों। एक होता है कार्यवाहक एक तो होता है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, और एक होता है तदर्थ न्यायाधीश। पिछली बार इस कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से क्वेश्चन पूछा आईएएस 2021 में, मैं करवा के गई थी। आप कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेंगे, कौन बताएगा सबसे पहले, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेंगे,
सबसे पहले कौन बताएगा? फटाफट, वेरी गुड। क्या है नाम? सिंपी, बहुत बढ़िया। याद रखिएगा, यहां ब्लंडर मत कर देना, प्रेसिडेंट करेंगे। रंजेश, गलत था बच्चे आपका। दो तरीके के न्यायाधीश होते हैं, कार्यवाहक और एक तदर्थ। अब ये ध्यान रखना यार, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, इसको कैसे याद करें? तो आपको पता है मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। आपको पता है ना इस बात का कि भाई न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। तदर्थ न्यायाधीश, जब कोरम पूरा नहीं होता है उस समय व्यवस्था होती है, और इस तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे सीजेआई। किस सलाह पे? एक तो लेंगे राष्ट्रपति की सलाह, और दूसरा जिस हाई कोर्ट से उस न्यायाधीश को लाया जा रहा है तदर्थ न्यायाधीश। मान लो हरियाणा हाई कोर्ट से ले रहे हैं एक न्यायाधीश को ले रहे हैं मान लो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से, तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से जो सीजेआई है वो तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर देंगे। यहाँ पे कंफ्यूज उल्टा दे देगा, मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति सीजेआई करेंगे। अरे सीजेआई कैसे करेंगे? सीजेआई तो छुट्टी पे गए हैं, तभी तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आए हैं। बुझे कि नहीं बुझे मुझे ये बता दो। अब याद रहेगा, ट्रिक से याद रहेगा, अब कंफ्यूज नहीं होंगे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति, और कब नियुक्ति होती है? जब सीजेआई किसी कारणवश अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम नहीं होते हैं, और तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे सीजेआई। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताओ भाई फटाफट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में क्या सही है? क्या सही है? सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है? सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है। केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है। ध्यान रखना, मुख्य न्यायाधीश। केवल विधि मंत्रालय को निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। बहुत आंसर दीपक सोनी, 2023 के लिए क्या करना है? बहुत जल्दी स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आऊंगी। एक बार पीटी देने दो यार, अभी जो बच्चे बिल्कुल पीटी के प्रेशर में है, एक बार पीटी देने दीजिए। पीटी के जस्ट बाद अलग अलग स्ट्रेटेजी वीडियोज आएंगी। जिन्होंने पीटी दिया है उनको मेंस के लिए क्या करना है, जो बिल्कुल नए बच्चे हैं उनको कैसे तैयारी शुरू करनी है। बहुत बढ़िया, सबको पता है। ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों में परिवर्तित करने का अधिकार है, बिल्कुल है। आंसर हो जाएगा ए। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है राष्ट्रपति के अनुमोदन से, यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मेजोरिटी से यह तय करें, संसद के अनुमोदन से, राज्य विधानसभा के अनुमोदन से। बताओ फटाफट, उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में सुनवाई करता है परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। आंसर बता दो फटाफट। यहां ठीक है, ठीक 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 ठीक, वेरी गुड। याद रखिएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुनवाई करने का अधिकार है उच्चतम न्यायालय का, और सामान्य राष्ट्रपति के अनुमोदन से वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के अनुमोदन से। सुनवाई का स्थान दिल्ली के अलावा कहीं और भी रख सकते हैं। क्षेत्राधिकार कौन बढ़ाएगा? संसद बढ़ाएगी। वेतन कौन बढ़ाएगा? संसद बढ़ाएगी। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? तो सीजेआई करेंगे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो फिक्स रखने हैं दिमाग में। बहुत बढ़िया, संसद नहीं होगा बच्चे, ए होगा। कोई जरूरत नहीं है, ये करंट उस समय के करंट का क्वेश्चन है। निर्णय में चुनौती दी जा सकती है भारत में जब जनहित या, हाँ ये बताइए, भारत, ये आईएएस का क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हिदायतुल्ला अहमदी, पीएन भगवती और आनंद। कोई बात नहीं निवेश, कोई बात नहीं बच्चे, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। आईएएस 2009 या 8 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब पीआईएल को शामिल किया गया या पीएन भगवती जब पीआईएल को लेके आए तो उस समय ये मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। बोल है ना, उस समय भारत के, तो उस समय ये मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। क्वेश्चन गलत है, लेकिन कोई बात नहीं, हम एग्जाम हॉल में बैठ के ये तो नहीं कह सकते अरे ये क्वेश्चन ही गलत है, छोड़ देते हैं। हमको ये पता है पीआईएल की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है,
तो पीएन भगवती से जुड़ी हुई है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, पीएन भगवती। जैसे जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई, संसदीय एक्ट के द्वारा, संवैधानिक संशोधन के द्वारा, न्यायिक पहल के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर बता दीजिए फटाफट। बहुत बढ़िया, याद रखिएगा, न्यायिक पहल द्वारा, जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यानी कि कभी अलग से 15 मिनट का लेक्चर ले आऊंगी, लेकिन अभी मोटे तौर पे समझ लो कि एक असक्षम व्यक्ति है, एक गरीब व्यक्ति है या गरीब समुदाय है, पिछड़ा तबका है, उसका यदि किसी अधिकार का उल्लंघन हुआ है या कुछ उसके साथ गलत हुआ है और वो व्यक्ति मुकदमा करने में सक्षम नहीं है, तो उस व्यक्ति के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति या संस्था न्यायालय में जा सकती है, रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से भी जा सकती है। सिंपल रिपोर्ट कार्ड लिख के दे देगी कि भाई यहाँ ऐसा ऐसा गलत हो रहा है। ये है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और इसकी शुरुआत न्यायिक पहल के आधार पे हुई है, और किसने की है, पीएन भगवती ने की है। ठीक है, जैसे पीआईएल क्या है, आपको पता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, आपको पता है, कभी सिंपल सा बीपीएससी या यूपीपीसीएस वगैरह में क्वेश्चन पूछ ले तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ऐसी लिटिगेशन जो पब्लिक के इंटरेस्ट को लेके हो। जैसे जनहित याचिका, ये बताइए जनहित याचिका कहाँ प्रस्तुत की जा सकती है, केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में, आंसर क्या होगा? बताओ फटाफट, ब्लंडर कर रहे हो यार, ऐसा ऐसा अपराध मत करो। पीआईएल ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च और उच्च दोनों में जारी की जा सकती है, यानी सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट दोनों में पीआईएल प्रस्तुत की जा सकती है, दोनों में। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि केवल सुप्रीम कोर्ट में। जैसे हाँ, ये बताओ, देखो आईएएस में पूछ लिया गया है, लोकहितवाद के मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश कौन सा है, मतलब वो कौन सा देश है जहां पीआईएल या लोकहितवाद जैसे मुकदमों का उद्गम हुआ, प्रारंभ हुआ, आंसर क्या होगा? वेरी गुड शेरल, महेंद्र, अमृता, आनंद, वेरी गुड, गौरव, अमृता, चुलबुली, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। याद रखिएगा यूएसए, कई बच्चे यूके करेंगे क्योंकि यूके यूके पढ़ते आ रहे हैं, ध्यान रख लेना, यूएसए वो पहला देश है जहां पे लोकहितवाद जैसे मुद्दों की संकल्पना सामने आई है। ठीक है, यूएसए, ध्यान रखिएगा, लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम देश है यूएसए। जैसे जनहित याचिका की अवधारणा, देखो आईएएस में पूछा है, पीसीएस वगैरह में तो पूछते ही है, जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से जुड़ी हुई है, तो अब आप लोगों को पता है किससे जुड़ी हुई है, तो यूएसए से जुड़ी हुई है। याद रखना, कभी भी यूपीएससी में स्टेटमेंट आ सकता है कि जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत यूएसए में हुई थी तथा भारत में पीएन भगवती ने इसमें बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है, तो कथन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये बताओ भाई, भारत में न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म किससे संबंधित है? प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, जनहित याचिका से, न्यायिक पुनरावलोकन से, न्यायिक स्वतंत्रता से। ये है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ये है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ध्यान रखना। कौन बताएगा मुझे? बहुत बढ़िया, मोहम्मद सलमान, राय, संगीता, प्रतीक्षा गलत हो गया बच्चे, अमृता, पूर्णिमा, दिमाग लगाना है, मैक्सिमम बच्चे सही हैं, कई बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं। देखो सुनो, पिछली बार एक लगभग सेम क्वेश्चन आईएएस 2021 में पूछा था, कई बच्चे प्रतिबद्ध न्यायपालिका लगा के आए थे। देखो प्रतिबद्ध की अंग्रेजी होती है, ध्यान से सुन लेना पहले, प्रतिबद्ध की अंग्रेजी होती है कमिटमेंट, क्या होती है, कमिटेड। प्रतिबद्ध का मतलब है कमिटेड, कि भाई मैं फलाने व्यक्ति के साथ कमिटेड हूं, समझ रहे हो ना, कमिटेड। और जब व्यक्ति कमिटेड होता है ना, तो फिर क्या होता है, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को यदि रात कहो तो रात कहेंगे, समझ गए? यानी कि कमिटेड व्यक्ति कभी भी स्वतंत्र होके नहीं काम करेगा, वो उस व्यक्ति के फेवर में काम करेगा, प्रतिबद्ध, समझ गए? यानी प्रतिबद्ध न्यायपालिका तो खतरा है लोकतंत्र के लिए। यदि न्यायपालिका कमिटेड हो गई सरकार के प्रति, तो सरकार जो कानून बनाएगी, न्यायपालिका पटाक से कहेगी बिल्कुल ओके है जी, एकदम जो आपको है पसंद वही बात कहेंगे, आप दिन को अगर रात कहोगे तो रात कहेंगे,
समझ गए। तो कमिटेड न्यायपालिका लोकतंत्र के लिए खतरा होती है। दूसरी बात, न्यायिक स्वतंत्रता। एक बात बताओ, न्यायिक स्वतंत्रता तो भारत में पहले से ही है, न्यायिक सक्रियता से न्यायिक स्वतंत्रता का क्या मतलब है? न्यायालय तो स्वतंत्र है ही न्यायिक पुनरावलोकन से। अब न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, या हम कहें कि न्यायालय की वो शक्ति जिसके माध्यम से वो कार्यपालिका या विधायिका के कार्यों को वैध या अवैध घोषित कर सकती है, ये तो संविधान ने दिया है हमको न्यायिक पुनरावलोकन आर्टिकल। कौन बताएगा न्यायिक पुनरावलोकन से कौन सा आर्टिकल जुड़ा हुआ है? अपना नाम लिख के भेजना, ललिता मैडम का लाडला, थैंक यू सो मच, लेकिन नाम मुझे जरूर बताना। ध्यान, वेरी गुड अंजलि, क्या बात है यार, रुक्मणी, फातिमा, विनीत, बहुत बढ़िया, आर्टिकल 13, वेरी गुड। यानी ये तो पहले से ही है। ये न्यायिक सक्रियता कहां से आई? न्यायिक सक्रियता आई PIL से, जनहित याचिका से, याद रखना। कहां से, कैसे? भाई आर्टिकल 21 को आप न्यायिक सक्रियता के तौर पे देखते हो। आर्टिकल 21 पता है ना आपको, एक डब्बा है, उसमें 70 तरीके के अधिकार शामिल है, सब पढ़ा चुकी हूं। तो न्यायिक सक्रियता आई PIL के माध्यम से, अलग अलग रिट्स आती रही कि जी यहाँ पे पानी की समस्या है तो जी स्वच्छ पानी का अधिकार है, यहाँ पे जी फैक्ट्री लग गई तो धुआं ही धुआं है, ठीक है, तो जी स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, ठीक, हथकड़ी जी लग रही है, ऐसे हमारे साथ ऐसे व्यवहार हो रहा है जैसे हम आतंकवादी हैं, तो जी हथकड़ी लगाने का अधिकार नहीं है यदि बहुत ज्यादा बड़ा अपराधी नहीं है। तो ये जनहित याचिकाओं के माध्यम से जुडिशियल एक्टिविज्म आया है। मुझे बताओ मेरी बातों से सहमत हो, बुझे? ऐसे क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं दिखानी है। जैसे न्यायिक सक्रियता देखा, पटाख से कर दिया न्यायिक स्वतंत्रता, सब कुछ पढ़ा हुआ है आपने, ये सोचना है अरे न्यायिक स्वतंत्रता तो पहले से ही है, न्यायिक पुनरावलोकन आर्टिकल 13 के तहत है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका तो लोकतंत्र के लिए खतरा है, यानी जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायिक सक्रियता की अवधारणा जुड़ी हुई है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, हमें कोई जरूरत नहीं है, 2003 का क्वेश्चन है, कोई जरूरत नहीं है। नहीं भाई, ये इंपॉर्टेंट है, मैं फ्लो में बताओ फटाफट आंसर। इस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। ये इसे मैं गलत मानती हूँ, कोई बात नहीं, पहले क्वेश्चन करो। उच्चतम न्यायालय कानून 1966, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145, संसद द्वारा बनाए गए विधेयक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348। बहुत बढ़िया, UPSC मिशन, गौरव, शेरल, उज्जवल, माही, सिंपी, उर्मिला, चुलबुली, छोरी, शेरल, बहुत बढ़िया, गीता, प्रमोद, स्मिता, वेरी गुड। याद रखिएगा आर्टिकल 348 साफ साफ तौर पर बोलता है कि उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी में होगी। एक गांव का किसान, एक गांव का गरीब व्यक्ति कैसे अपेक्षा कर सकता है? फिर यहाँ पे थोड़ा सा सोचने की जरूरत होनी चाहिए। और फिर केवल हिंदी भाषा ही नहीं, फिर अलग अलग भाषाएं हैं, तो कुछ एक रास्ता हमें निकालना चाहिए। एनीवे, अभी PT के लिए याद रखो, आर्टिकल 348 में यह व्यवस्था की गई है कि सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी कार्यवाही है वो अंग्रेजी में होंगी, ठीक है, ध्यान रखना, कोई जरूरत नहीं है। ये मतलब करंट का क्वेश्चन था, पिंजराबंद तोता। सुप्रीम कोर्ट ने CBI को बोल दिया था पिंजराबंद तोता, ध्यान रखना, 2G स्पेक्ट्रम मामला आया था उसमें। कोई जरूरत नहीं है करने की। इस तरीके से हमारा सुप्रीम कोर्ट खत्म होता है, सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। हाई कोर्ट अभी निपटाएंगे, इसलिए पानी वानी पी लो, मैं भी पी लूं। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से हमारी क्लास बहुत शानदार चल रही है, आप लोगों को समझ में भी आ रहा है। यदि आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ये मेरा चैनल है, ये हमारा चैनल है, ठीक है, ये हमारी शुरुआत है। तो इस शुरुआत, बहुत छोटी सी शुरुआत की है हमने, मात्र जिस दिन मैंने शुरुआत की मेरे पास 500 सब्सक्राइबर्स है, बहुत छोटी शुरुआत है, लेकिन सपना बहुत बड़ा देखा है। सपना ये देखा है कि हर एक बच्चा सपने देख सके, और मैंने जो अपना लोगो बनवाया है ना, बहुत जल्दी मैं लाऊंगी उड़ते हुए पक्षी, यानी हमें भी सपने देखने का हक है, अपने पंख फैलाने का हक है, उड़ने का हक है, और आसमान को चीर के आगे जाने का हक है, और वो हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो दोस्तों, अब भी आप लोगों के सीरियसली सपोर्ट की बहुत जरूरत है,
इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए अपने जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जिन ग्रुप को आप जानते हैं उनमें, और यकीन मानिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा आप लोगों के लिए। ये मेरा कमिटमेंट है आप लोगों के साथ। बिल्कुल करवाऊंगी राज, लास्ट में ना 10 मिनट में क्विक रिवीजन कराऊंगी ताकि दिमाग में चीजें सेट हो जाएं। चलो भाई, हाई कोर्ट पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है। नहीं को गोल करेंगे, ध्यान रखना एग्जाम हॉल में ऐसा ही करना है। नहीं को गोल करेंगे, यहां लिख लेंगे गलत ताकि हमें याद रहे कि गलत पूछा है। पहला, द्वितीय अपील न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में है। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, क्या सही नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। उच्च न्यायालय लोकहितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है। आंसर बता दीजिए क्या गलत है। मनीष थैंक यू सो मच यार, आंसर 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 आंसर, बहुत बढ़िया। याद रखिएगा यूपीएससी 2013 या 14 में क्वेश्चन पूछा। मैं क्यों रिपीट करती हूँ क्वेश्चन बार बार, ताकि याद हो जाए चीजें, एग्जाम हॉल में एकदम कॉन्फिडेंट रहो। क्वेश्चन पूछा, जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, अच्छा उसी तरीके से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। हमें लगा कि कितना बढ़िया लॉजिक दिया यूपीएससी ने, लेकिन वो था गलत। गलत था ना, क्योंकि हमको पता है चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, सबकी नियुक्ति कौन करेगा। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, सब न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। राज्यपाल का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होता नियुक्ति करने के मामले में। पहली बात ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे, और इनको हटाया भी सेम रीति से जाएगा। जैसे यदि कभी आप लोगों को नियुक्ति से संबंधित तो उलझा के पूछ लिया, पूछ ले कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को संसद द्वारा विशेष बहुमत के आधार पर हटाया जाता है तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को राज्य विधानमंडल द्वारा, तो गलत हो जाएगा। दोनों को हटाने की प्रोसेस बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल अक्षमता और कदाचार के आधार पर हटेंगे। याद है ना दो चीजें, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार पर हटाया जाता है, और न्यायाधीशों को अक्षमता और कदाचार के आधार पर हटाया जाता है। ये उल्टा दे देगा कभी कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को कदाचार और अक्षमता के आधार पर हटाया जाता है, तो हो जाएगा सही की गलत, सही की गलत, गलत हो जाएगा। आधार याद रखने हैं, यदि संविधान का उल्लंघन है तो राष्ट्रपति, और कदाचार और अक्षमता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश। सेम प्रोसेस होता है हटाने का, सेम प्रोसेस होता है मतलब नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते। बहुत बढ़िया। ये बताइए, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को, यानी हाई कोर्ट के जो सेवानिवृत्त जज है, उनको पेंशन कहां से दी जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से जहां उन्होंने अंतिम सेवा की है, विभिन्न राज्यों की संचित निधि से जहां जहां सेवाएं दी हैं। भैया एक न्यायाधीश एमपी भी रहा, केरला भी रहा, हरियाणा में भी रहा, यूपी में भी रहा, भारत की आकस्मिक निधि से पेंशन कहां से दी जाएगी। यहां कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, शेरल महेंद्र गलत हो गया बच्चे, ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पेंशन की बात हो रही है, वेतन की बात नहीं हो रही है, वेतन भत्तों की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे देखो दो चीजें होती हैं, एक होते हैं वेतन प्लस भत्ते, आवास है, वेतन है, एक होती है पेंशन। याद रखना, यहां से क्वेश्चन बनता है यूपीएससी में भी और पीसीएस में भी। जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं बच्चे, उनको वेतन और भत्ते मिलते हैं कहां से, भारत की, वेतन और भत्ते मिलते हैं कहां से हाई कोर्ट के न्यायाधीश को, यार राज्य की संचित निधि से, यानी जिस राज्य का न्यायाधीश है वहां की संचित निधि से इनको वेतन भी मिलेंगे, भत्ते भी मिलेंगे। अब ये हो गए हैं रिटायर, तो आपको ये कैसे याद रखना है, आपको ये याद रखना है ना कि एक न्यायाधीश हाई कोर्ट का तो भाई अलग अलग स्टेट में रहा होगा, तो पेंशन कौन देगा, ये स्टेट देगा कि वो स्टेट देगा, तो आपस में लड़ाई ना हो जाए, इसलिए एक सॉल्यूशन निकाला गया कि इनको पेंशन कहां से मिलेगी, भारत की संचित निधि से। इस लॉजिक से याद रहेगा, यानी इनको वेतन भत्ते उस राज्य से मिलते हैं जहां ये काम कर रहे हैं, लेकिन इनको पेंशन कहां से मिलेगी, भारत की संचित निधि से। बिल्कुल सही बात है निवेश। रंजेश अभी भी क्यों गलत कर रहे हो बच्चे, क्यों गलत कर रहे हो, बिल्कुल ध्यान से सुनो मेरी बात को, पेंशन पूछा है, वेतन भत्ते नहीं पूछा है, तो पेंशन इनको मिलती है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को, भारत की संचित निधि से, ठीक है।
ये कर दूंगी सुनील, बहुत जल्दी अलग क्लास में कर दूंगी, अभी मेरे को आज हाई कोर्ट कंप्लीट कराना है। ये बताओ भाई, उच्च न्यायालय की सेवा, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65, 60, 62, 58 बच्चों वाला क्वेश्चन है, फटाफट बता दो। 62 क्या कर रहे हो? अच्छा ये ठीक 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 पिछला क्वेश्चन कर रहे हो शायद, ध्यान रख लेना। हाई कोर्ट की है 62, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 62 और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 65, ध्यान रख लेना 62 और 65। बताओ भाई, आईएएस 2002 का क्वेश्चन है, ध्यान से करना। भारत में 25 उच्च न्यायालय है, 25 हाईकोर्ट है, पंजाब हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक हाईकोर्ट है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है, आंसर बताओ फटाफट। यहां से क्वेश्चन बनता है, 3-4 होमवर्क दूंगी, 2-3 छोटे छोटे होमवर्क दूंगी, उसको कर लेना। वेरी गुड चुलबुली, ईवा, सोनाली, रानी, अंजलि, बहुत बढ़िया, गौरव, सूरज, आनंद, ललित, लिज्जत, बहुत बढ़िया, रंजेश, बहुत बढ़िया। याद रखना, पहली बात तो ये याद रख लेना, वर्तमान में भी भारत में 25 हाईकोर्ट, कितने हाईकोर्ट है? 25 हाईकोर्ट है, याद रख लेना। दूसरा आपको पता है, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ का एक ही हाईकोर्ट है, चंडीगढ़ हाईकोर्ट, ठीक। अगला आपको पता है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का अपना हाईकोर्ट है, ध्यान रखना। यानी एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया कि किसी भी संघ शासित क्षेत्र का अपना हाईकोर्ट नहीं है, तो आपको पता है दिल्ली का अपना हाईकोर्ट है ना जी, चंडीगढ़ का भी, आप मान लो कि चंडीगढ़ का भी वहीं आ गया, पंजाब हरियाणा वाला। और अब एक केंद्र शासित क्षेत्र और है जिसका अपना हाईकोर्ट है, कौन बताएगा वो कौन सा है? उज्ज्वल, पानी पी लो, ब्लैक कॉफी रखो साथ में, एग्जाम आ रहा है पास में, ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान रख लेना। एक और यूटी है अभी जिसका अपना हाईकोर्ट है, वेरी गुड, कश्मीर, बहुत बढ़िया, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, ध्यान रख लेना। आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, ठीक, तीनों सही है। जैसे देखो, आईएएस 2011 में क्वेश्चन आया, तो एक में बताओ फटाफट, देश में 18 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है जी, उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्य पे है, यानी 3 हाईकोर्ट ऐसे बता रहा है जिनका 1 से अधिक राज्यों पे क्षेत्राधिकार है। बताओ, किसी भी, देखो पूछ लिया, किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का, यानी कि किसी भी यूटी का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 ईयर्स तक अपना पद धारित करते हैं, आंसर बता दो फटाफट। एलिमिनेशन के आधार पे भी जाओगे ना ऐसे क्वेश्चन में, बस बहुत बढ़िया, A to Z बच्चे सही हैं। ऐसे क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड जिंदाबाद। हमको पता है कि भाई 18 नहीं है, 25 है, 1 गलत है, हम आए नीचे, देखा भाई 1 गलत 1 गलत। हमको ये पता है कि ये बोल रहा है किसी भी यूटी का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, तो हमको पता है ये कंफर्म गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमको पता है दिल्ली का अपना हाईकोर्ट है, कश्मीर का अपना हाईकोर्ट है, पता है ना हमको, तो 3 गलत है, यानी कंफर्म आंसर क्या निकल गया? आंसर निकल गया 4। याद रखना, ये मैं यहां पे केवल करवाने के लिए नहीं करवा रही हूं कि एलिमिनेशन मेथड ऐसे होगा, आपको एग्जाम हॉल में भी ऐसे ही करना है। आपको यदि एक स्टेटमेंट गलत दिख गया तो तुरंत ऑप्शंस में आके उसको काट देंगे, मान लो 1 गलत दिखा कंफर्म, तो 1 को काट दो, आधा काम आसान हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। आदि को पता ही नहीं था, टेलीग्राम पे नहीं हो, याद रखना दोस्तों, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है ललिता दहिया अकेडमी, फटाफट जुड़ जाइए, मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन, ये सारी PDF आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी, ललिता दहिया अकेडमी, जो मेरे यूट्यूब, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, वही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। ये बताओ भाई, भारत में, अब ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय कितने हैं? तो आपको पता है 25 है, ठीक है, 25 याद रख लेना। ये बताओ, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वे किसके अधीन होता है? उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रिट अधिकारिता के अधीन, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त विशेष नियंत्रण के अधीन, राज्य के राज्यपाल की विवेकिक शक्तियां के अधीन और इस विषय पर मुख्यमंत्री को प्रदत्त विशेष शक्तियों के अधीन। कोई भी उच्च न्यायालय का जब मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करेगा तो वो किसके अधीन काम करेगा? उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी रिट अधिकारिता के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल, मुख्य मंत्री को प्रदत्त विशेष शक्तियां, आंसर क्या हो जाएगा? क्या बोल रहे हो? लास्ट क्वेश्चन के ऑप्शन 2 की व्याख्या कर दीजिए, बस 1 मिनट, ऑप्शन 2 की,
अच्छा हाँ, बहुत बढ़िया पूछा, किसने पूछा यार, देवरा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। ध्यान रखना दोस्तों, ये मैं एक्सप्लेन करना ही भूल गई थी एलिमिनेशन के चक्कर में। जैसे ये बोल रहा है कि उनमें से तीन का अधिकार क्षेत्र एक से अधिक राज्य पे है, तो ध्यान रख लेना तीन का नहीं, सात हाईकोर्ट ऐसे हैं, टोटल सात हाईकोर्ट ऐसे हैं जिनका क्षेत्राधिकार केवल एक राज्य पे नहीं है बल्कि कई राज्यों पे है। जैसे कलकत्ता हाईकोर्ट है तो कलकत्ता अंडमान वगैरह आ जाते हैं, जैसे ये क्या नाम है चंडीगढ़ हाईकोर्ट है तो पंजाब हरियाणा आ जाते हैं, जैसे बंबई वाला है तो उसमें ये मुंबई और गोवा वगैरह आ जाएंगे। तो इस तरीके से सात हाईकोर्ट है, और ये होमवर्क है आप लोगों का, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। दो चीजें याद रहेंगी, टोटल 25 हाईकोर्ट है, उन 25 हाईकोर्ट में से सात हाईकोर्ट ऐसे हैं जिनमें एक से अधिक राज्यों की अधिकारिता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाकी आपको पता ही है। इस क्वेश्चन को एक बार अभी छोड़ के चलते हैं, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसको, अभी छोड़िए। ये बताओ भाई, उच्च न्यायालय की, बहुत शानदार क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति किसके अंतर्गत आए, मतलब किस को लेके हाई कोर्ट परमादेश जारी कर सकता है, गलत मत कर दीजिएगा। संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार, उपरोक्त सभी अधिकार, फटाफट। आंसर 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 आंसर, ऐसा है, ब्लंडर मत करो यहां पे, वेरी गुड राय सौरव, सौरव क्या उर्मिला चुलबुली, पता है यार आप लोगों को 226 आर्टिकल 226 पांच रिट्स है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेक्षण, परमादेश, प्रतिषेध और अधिकार प्रच्छा, ये पांच रिट्स हैं। तो हाई कोर्ट 226 के तहत मौलिक अधिकारों के साथ साथ बाकी अधिकारों से संबंधित भी रिट जारी कर सकता है, लेकिन यहां यदि सुप्रीम कोर्ट होता, मुझे तब आंसर बताओ, मान लो मैं यहां पे क्वेश्चन होता कि सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन है संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार, उपरोक्त सभी अधिकार, तब आंसर क्या होता, वेरी गुड महेंद्र, अंजलि, मनोहर, बहुत बढ़िया, मतलब समझ गए, अब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उस समय आंसर होता केवल मौलिक अधिकार, लेकिन हाईकोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ संवैधानिक, सांविधिक, 70 तरीके के जितने भी अधिकार हैं सब आ जाओ आर्टिकल 226 के तहत, कोई जरूरत नहीं है। ये बताओ, अंडमान निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का अधिकार है, आंध्र प्रदेश का भी बताया वैसे मैंने, मद्रास, कलकत्ता, इसलिए मैंने वो होमवर्क दिया है। मान लो कभी इजी क्वेश्चन आ जाए, सात न्यायालय ही ऐसे हैं, आंसर बताओ पहले, बिल्कुल भी नहीं पूजा, बिल्कुल भी बस नहीं करूंगी, टॉपिक कंप्लीट कराऊंगी, पानी पियो, कॉफी पियो यार, बहुत सारे बच्चे हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है हमको, वेरी गुड, याद रखना आंसर हो जाएगा कलकत्ता। अब सुन लो, दो पांच मिनट लगेंगे, एक होमवर्क कर लेना कृपया करके गुरुओं, सात न्यायालय ऐसे हैं जिनका अधिकार क्षेत्र एक से अधिक राज्यों पे है, तो ये कौन कौन से सात हैं पहली बात, और किस किस पे किस किस का है, ये एक बार सरसरी निगाह से देख लेना, क्योंकि मान लो कभी इजी क्वेश्चन यहां से आ जाए तो फिर हमारा गलत नहीं होना चाहिए, कर लोगे। जैसे निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है, तो आपको पता है कौन है, तो बंबई है, ध्यान रखना बंबई एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेश के लिए, इसमें दादर नागर और ये सारे आ जाते हैं बंबई हाईकोर्ट में, तो ये होमवर्क है आप लोगों का, ये देख लेना आप किसका उच्च न्यायालय नहीं है, ये उस समय के करंट का क्वेश्चन है, 2013 में स्थापित किए गए, ये भी करंट का क्वेश्चन है। भारत में कितने, ये बताओ भाई, भारत में कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं, संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ दिया, इसको एक बार देख लेना, फैक्चुअल क्वेश्चन है, टोटल है सात, समझे क्वेश्चन का, टोटल है सात। अब ये बोल रहा है कि कितने हाईकोर्ट ऐसे हैं जिसमें एक से अधिक राज्य है, यूटी नहीं है, जैसे चंडीगढ़ वाला कैंसिल हो जाएगा क्योंकि चंडीगढ़ यूटी आ गया, आपका अंडमान वाला कलकत्ता वाला कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अंडमान आ गया, तो इसे एक बार कृपया करके आप देख लीजिएगा, सात नहीं होंगे। हिमांशु बच्चे लैंग्वेज समझो, सात नहीं होगा, बोल रहा है एक से अधिक राज्य हो लेकिन यूटी ना हो, जैसे कलकत्ता वाले में अंडमान आ गया तो खत्म हो गया, ये आपका बंबई वाले में दादर नागर वगैरह आ गया तो खत्म हो गया, तो मेरे ख्याल से दो या तीन होंगे, ऐसे जिसमें केवल राज्य हो,
लैंग्वेज समझे आप? ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, ये नहीं है उत्साह में आके पटाक के साथ मुझे ये बताओ थम्स अप दो, तीन होगा। हाँ बिल्कुल, गुवाहाटी होगा, यूपी क्यों होगा, यूपी में तो इलाहाबाद, यूपी तो एक ही न्यायालय है ना। ठीक है मैं इसको, मोनिका इसको क्या करूंगी बच्चे, तब एक बार मुझे भी लिस्ट देखनी पड़ेगी ना, मैं कंसेप्ट तो याद रहते हैं, फैक्चुअल चीजें देखनी होती है सबको। ठीक है चलो, कोई जरूरत नहीं है, ये सब आप लोगों का काम है, अब उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। हाँ ये बताओ, निम्नलिखित में से आईएएस 1993 का क्वेश्चन है, कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? ये कर चुके हैं हम, केंद्र राज्य के बीच का विवाद, राज्य राज्य के बीच का विवाद, मूल अधिकारों का संरक्षण, संविधान के उल्लंघन का संरक्षण, हम इसको कर चुके हैं इसलिए ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। आंसर आपको पता है, आंसर है सी, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई। ठीक है ये बताओ भाई, वो कौन सी याचिका है, वो कौन सी याचिका है जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि ऐसा कार्य करें और उसे अपनी शक्तियों के अंतर्गत कार्य करना चाहिए था, कि भाई अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। हैबियस कार्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, कोवारंटो। हैबियस कार्पस होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रोहिबिशन होती है प्रतिषेध, प्रतिषेध, और मैंडमस होती है परमा, परमा देश, और कोवारंट होती है अधिकार परीक्षा। नाम से ही समझ में आ जाएगा, वो कौन सी रिट है जिसके तहत न्यायपालिका आदेश देती है सरकार को कि आपको ये काम ऐसे करना चाहिए था। नाम से ही समझ में आ जाएगा, कंफ्यूजिंग नहीं होना। प्रतिषेध नहीं दोस्त, परमादेश, आदेश दे रही है, नाम से ही समझ में आ जाएगा। ठीक है याद रखिएगा, मैंडमस यानी परमादेश, जिसके तहत न्यायपालिका कार्यपालिका से कहती है कि भाई इस तरीके से आप काम करो, परमादेश। ये बताइए, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है, भाई अपना दायित्व निभाओ, उत्प्रेक्षण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, फटाफट बताओ। इनमें कंफ्यूजन होता है मोनिका, ऐसा करूंगी केवल आर्टिकल 32 के ऊपर, मुझे एक बार बहुमत से समर्थन चाहिए। अगर आप लोगों को आर्टिकल 32 के रिट से संबंधित कंफ्यूजन होता है तो मैं एक आधे घंटे की क्लास ले आऊंगी अलग से, इस टाइमिंग से अलग से, किसी भी टाइम आप लोगों को आर्टिकल 32 अलग से करवा दूं क्या? कितने बच्चे इसके समर्थन में हैं? क्योंकि यहां बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, और एक बार मैं करवा दूंगी तो कभी भविष्य में कंफ्यूजन होगा ही नहीं। करवा दूं कल परसों में ही, प्लान करती हूं पीटी से पहले आर्टिकल 32, और मुझे आप लोग पर्सनल मैसेज पे या फिर इसी प्लेटफॉर्म के कमेंट बॉक्स में, जो मेरी वीडियो है ये, इसके कमेंट में जाके आप लोगों को जहां जहां दिक्कत है, मान लो छोटे छोटे दिक्कत है, मान लो किसी को आर्टिकल 32 में दिक्कत है, किसी को आर्टिकल 23 इसी कौन सा आर्टिकल में दिक्कत होती है, यार आर्टिकल 22 में दिक्कत है, या किसी को मान लो राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में दिक्कत है, किसी को आपातकाल में दिक्कत है, तो मुझे आप अपने दिक्कत वाले पॉइंट्स बताइए ताकि मैं एक बार अलग से 20-20 मिनट, 15-15 मिनट की क्लास लेके उनको क्लियर करवा दूं। ठीक है, डेली होगी सुमी, डेली होगी बच्चे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपने अपने दिक्कत वाले पॉइंट बताइएगा, वो मैं करवा दूंगी। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है यार, संस्था को दायित्व का लेख जारी करता है कि भाई अपना दायित्व निभाओ, आदेश देता है, तो किसके तहत? परमादेश के तहत। 127 में दिक्कत है, करेंगे करेंगे, ठीक है मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। आप सब लोगों के कमेंट्स मैं बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ, बहुत ही ध्यान से। मैं एक मिनट लेना चाहूंगी यार, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन अभी टाइम नहीं है हम लोगों के पास। मैंने जो 5 मिनट का वीडियो डाला था परसों, मुझे उसने इतना प्रेरित किया यार, आप लोगों के 190 कमेंट आए हैं उस पे। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? आप लोगों की लैंग्वेज, आप लोगों ने इतना भावुक बातें लिखी है उसमें कि मैं सोच भी नहीं सकती थी सपने में। मुझे पता था कि मेरे स्टूडेंट रिगार्ड करते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे स्टूडेंट इतना रिगार्ड करते हैं, इतना सम्मान करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना विश्वास करते हैं। मुझे सीरियसली नहीं पता था, लेकिन उस दिन के बाद से एक अंदर से वो होता है ना कि कुछ भी कर दूंगी यार आप लोगों के लिए। आप लोग समर्थन बनाए रखिए बहुत, जो जहां जहां आपको दिक्कत है वहां वहां हम काम करेंगे। और थैंक यू सो मच यार, और थैंक यू बहुत ही छोटा शब्द है, मतलब थैंक यू मैं क्या कहूं, शब्द नहीं है मेरे पास। ठीक है चलो, बताओ फटाफट कौन सा, थैंक यू, कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्याय क्षेत्राधिकार नहीं, नहीं को करेंगे गोल, करेंगे गलत।
कौन सा हाई कोर्ट का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, निरीक्षण का क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, फटाफट बता दो। सिमरन टेलीग्राम पे आ जाओ बच्चे, टेलीग्राम पे क्यों नहीं हो आप, तो मेरी बहुत पुरानी स्टूडेंट हो। ललिता दहिया अकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, बहुत बढ़िया। आर्टिकल भी लिख देना ध्यान से, बहुत बार बता चुकी हूँ, आईएएस में सिंपल एक बार क्वेश्चन पूछा था यहीं से। आर्टिकल 143 के तहत जो परामर्श लेने की शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की, वो केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास नहीं है, जो राष्ट्रपति परामर्श लेते हैं। ध्यान रख लेना, परामर्श देने संबंधी जो क्षेत्राधिकार है वो केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास नहीं है। बाकी कुछ चीजें सीधा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत हाई कोर्ट में जा सकती है, जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन यदि आपके होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो, सीधा हाई कोर्ट में भी जा सकते हो। निरीक्षण करने का अधिकार दोनों को है और अपील का अधिकार दोनों को है। परामर्श क्षेत्राधिकार केवल किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है। ये बताइए कौन सी एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? जब कार्यवाही लंबित हो, यानी जैसे परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेक्षण है, अधिकार पृच्छा है, यहां से मैं करवाऊंगी आप लोगों को। यानी कार्यवाही तो लंबित है, अभी डिसीजन नहीं दिया गया है, ब्लंडर हो गया था ऐसे क्वेश्चन में। अंजलि याद रखना बच्चे, भूल के भी ऐसे क्वेश्चन, इसलिए मैं बार बार बोलती हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में फिक्स हो जाए। वेरी गुड भाई, गजब कर दिया यार, मेरे को आशा ही नहीं थी। वेरी गुड। प्रतिषेध दो चीजें होती हैं, अलग से भी करवाऊंगी रिट, लेकिन यहां पे भी सुन लीजिए, एक होती है प्रतिषेध रिट और एक होती है उत्प्रेक्षण। एक बेसिक डिफरेंस क्या है आपको पता है ना, मैं कैसे याद करवाती हूं? प्रतिषेध मतलब पहले ही, प से पहले ही, और उत्प्रेक्षण मतलब बाद में। यानी क्या? जब लोअर कोर्ट्स अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट या जो हायर कोर्ट्स हैं उनको पता लग गया और पहले ही वो मामले को अपने पास मंगवा ले, यानी अभी तक लोअर कोर्ट ने डिसीजन नहीं दिया है, पहले ही अपने पास मंगवा लिया, वो होगा प्रतिषेध रिट, समझ गए? और उत्प्रेक्षण में क्या होता है, निचली अदालत ने डिसीजन दे दिया होता है और उस डिसीजन को, उस निर्णय को रद्द करने के लिए जो रिट जारी की जाती है वो होती है उत्प्रेक्षण रिट। ध्यान रखिएगा, प्रोहिबिशन और उत्प्रेक्षण आपको पता है, ये अलग से करवाऊंगी, ठीक है? ये अभी अभी इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये मैं अलग से करवाऊंगी, अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा मुझे, 3-4 दिन में ही करवा दूंगी, टेंशन मत लो। बताओ भाई, न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना, न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना या उनका पालन ना करना तथा न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना न्यायालय की अवमानना की कोटि में आता है, खुद समझदार हूं। अगला, न्यायिक सक्रियतावाद न्यायपालिका को अवमाननापूर्ण व्यवहार को दंडित करने के लिए दंडात्मक अधिकार दिए बिना क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, यानी न्यायिक सक्रियतावाद तब तक क्रियान्वित नहीं किया जा सकता जब तक कि अवमाननापूर्वक व्यवहार करने के लिए शक्ति ना हो कोर्ट के पास। थोड़ा उलझा हुआ क्वेश्चन है लेकिन आंसर रिट्स में करवा दूंगी काजल, अलग से क्लास लेके आऊंगी बच्चे, 20 मिनट 25 मिनट की क्लास लेके आऊंगी फास्ट, ठीक है, जिसमें केवल रिट्स होंगी, ठीक है? ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा दोनों सही है, व्याख्या नहीं है। आपको पता है ना कि न्यायालय, यदि आप न्यायालय का कोई व्यक्ति अवज्ञा करता है, अवहेलना करता है, तो अवमानना की कोटि में आएगा और न्यायालय को अवमानना का, जो अवमानना के आधार पर दंडित किए जाने का अधिकार है, न्यायालय जो है दंड दे सकता है। आंसर दोनों सही है, या न्यायिक सक्रियता बीच में आ गया तो फिर इसलिए व्याख्या आपस में नहीं होगी, दोनों सही है। ये बताओ भाई, जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देता है। जनहित याचिका जो वो होते हैं ना, एक्टिव लोग होते हैं समाज के, बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं, ठीक है, जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देता है। जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय की मांग कर सके जो किसी कारण से न्यायालय पहुंच पाने में असमर्थ है। अभी मैंने बताया था पीआईएल में, आंसर बता दो। वेरी गुड चुलबुली, शेरल, आदर्श, बहुत बढ़िया, मोनिका, गोविंद, महेंद्र, ऑल द बेस्ट सौरभ, ऑल द बेस्ट बच्चे, कोई बात नहीं बच्चे, एग्जाम दो। आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है जी, और दोनों का सही स्पष्टीकरण भी है।
क्योंकि लगाओ बीच में। जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देता है, क्यों? क्योंकि जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय की मांग कर सके जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंच पाने में असमर्थ है। दोनों सही है और दोनों की व्याख्या भी हो रही है, ठीक है, ध्यान रख लेना। ये बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गलत मत कर देना। भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है कि हाई कोर्ट की शक्तियां ज्यादा हों? दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश रिट जारी कर सकता है। आंसर बता दो फटाफट, क्या बोल रहे हो संगम मैम? हाई कोर्ट FR को या कोई भी विधिक अधिकार के बदले के रिट जारी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है संगम, लेट आए हो क्या क्लास में? कई राउंड बता चुकी हूँ आज की ही क्लास में, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। बहुत बढ़िया भाई सुनील, चुलबुली, अपर्णा, आदर्श, क्या कर रहे हो? आंसर गलत नहीं होना चाहिए। वेरी गुड जैक, नंदिनी, अंजलि, संगीता, प्रतिभा, क्या हो गया बच्चे, उलझ गए यार? अभी कितनी बार बताया है, बिल्कुल सही कथन है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तुलना में अधिकारों के मामले में बढ़िया स्थिति में क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 226 के तहत हमारे किसी भी अधिकार के उल्लंघन पे हाई कोर्ट जा सकते हैं, भले ही वो मौलिक अधिकार है, संविधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, 700 तरीके के अधिकार है, हम सीधे जा सकते हैं हाई कोर्ट। लेकिन बच्चे सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत केवल फंडामेंटल राइट के उस पे ही जा सकते हैं। यानी कथन ए बिल्कुल सही है, अधिकारों के मामले में हाई कोर्ट की शक्तियां सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है, समझ में आया? और दूसरा, क्यों ज्यादा है, यहां पे इसने बिल्कुल क्लियर कर दिया, क्योंकि यहां पे क्योंकि यदि मैं लगाऊं, सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के संबंध में ही परमादेश रिट या अन्य रिट जारी कर सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एक और आर दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण है। ऐसा क्वेश्चन, अरे भुखड़ लोगों, डेढ़ घंटे की क्लास हुई नहीं मैम, भूख लगी है, मैम खाना छीन रही है क्या आप लोगों का? खा लो ना, रोका है मैंने, मैं नहीं खा सकती, क्योंकि नहीं खा सकती बस। गजब करते हो यार, खाते रहो पढ़ते रहो, कोई छीन रहा है खाना है? चलो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिला न्यायाधीश देख लेना, आर्टिकल 233 में आते हैं ये बताओ, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित कौन कौन नहीं होगा? मुख्य प्रेसिडेंसी, सेशन, अधिकरण न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। बताओ फटाफट, अपने अपने बहाने बना रहे, मैम बनाना पड़ेगा, मैं लाइब्रेरी में हूँ, बिस्किट होंगे, फ्रूट्स होंगे, कुछ तो खा लो, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। ये एक होमवर्क मैंने कौन सा दिया है आप लोगों को? हाँ, एक होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया है कि वो 7 कौन कौन से न्यायालय हैं जो एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित क्षेत्रों की अधिकारिता रखते हैं। दूसरा होमवर्क आप लक्ष्मीकांत की बुक से देख लीजिएगा, जिला न्यायाधीशों में कौन कौन से आते हैं, 7-8 न्यायाधीश होते हैं जो, जैसे मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट भी जिला न्यायाधीश के अंतर्गत आएगा, सेशन न्यायाधीश भी इसके अंतर्गत आते हैं, लघुवाद न्यायालय के न्यायाधीश भी इसके अंतर्गत आते हैं, जो अधिकरणों के न्यायाधीश होते हैं ना, ये जिला न्यायाधीश की अभिव्यक्ति के अंतर्गत नहीं आते हैं, ध्यान रख लेना, अधिकरण न्यायाधीश नहीं आएंगे। चलो भाई, IAS 2007 का क्वेश्चन है, 101% करोगे। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की रीति प्रोसेस आधार सेम टू सेम है। दूसरा, उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और मैं करवा चुकी हूँ इस क्वेश्चन को, हाई कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता। बता दो फटाफट, यहां उच्च न्यायालय की बात हो रही है। बहुत बढ़िया शेरल, रंजेश, राज, सिंपी, संस्कृति, रैना, प्रीति, सिमरन, बहुत ही बढ़िया, चुलबुली, सुनील, छोरी, सलमान, नुरूल, क्या बात है यार, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है ना।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को सेम प्रोसेस से हटाएंगे, मैं बता चुकी हूं। एक आधार होता है कदाचार और अक्षमता, चौथी बार क्यों रिपीट करा रही हूं ताकि फिक्स हो जाए दिमाग। कदाचार और अक्षमता के आधार पर हटाए जाएंगे विशेष बहुमत द्वारा, जिस सदन में लाया जाता है उस सदन का विशेष बहुमत, फिर दूसरा सदन सदन एक कमेटी बनाएगा और फिर यदि दूसरा सदन भी विशेष बहुमत से पारित कर देगा तो हट जाएंगे। अगला गलत है, यहाँ पे खाली पेज मुझे दिख गया, आंसर मत देने लग जाना यार, आंसर दो तो दो। यहाँ पे एक चीज समझ लो, यहां से क्वेश्चन बनता है, इसीलिए याद रखना, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है, मतलब काम नहीं कर सकता है किसी भी न्यायालय में, समझे? यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में नहीं करेगा। अब आपको उलझाने के लिए वो ये दे देगा कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात केवल, यदि दे दे आपको, पहले आप बताओ ताकि याद रहे, केवल सुप्रीम कोर्ट में ही अभिवचन कर सकता है। हाई कोर्ट का न्यायाधीश केवल, हाई कोर्ट का न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात केवल सुप्रीम कोर्ट में ही अभिवचन का काम कर सकता है। मुझे ये बताओ सही है कि गलत है। वेरी गुड मनीषा, रैना, कुलदीप, बहुत बढ़िया, मनीष बहुत ही बढ़िया। यानी क्या होगा आंसर, सुन लो, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, वो सेवानिवृत्ति के पश्चात सुप्रीम कोर्ट में भी अभिवचन कर सकते हैं, और वो हाई कोर्ट जिनमें उस न्यायाधीश ने एज अ न्यायाधीश काम नहीं किया हो। फॉर एग्जाम्पल, एक न्यायाधीश मान लो हरियाणा हाई कोर्ट में भी रहा है, यूपी में भी रहा है, एमपी में भी रहा है, केरल में भी रहा है, ठीक। तो ये व्यक्ति इन चार न्यायालयों को छोड़ के, इन चार हाई कोर्ट्स को छोड़कर बाकी के सभी हाई कोर्ट में अभिवचन का काम कर सकता है। ध्यान से सुन लेना, यहां से फंस जाओगे, वरना दे देगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश कहीं पे भी अभिवचन नहीं कर सकता और हाई कोर्ट का न्यायाधीश केवल सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है, तो केवल के कारण कथन गलत हो जाएगा। यानी एक लाइन में बोलू, हाई कोर्ट का न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ उन अन्य उच्च न्यायालयों या हाई कोर्ट्स में भी अभिवचन का काम कर सकता है जहां पे उस व्यक्ति ने न्यायाधीश के तौर पे काम नहीं किया है। थम्स अप दे दो, मतलब सीरियसली अगर समझ गए हो तो थम्स अप दे दो। फटाफट तैयार रहना, इस तरह रिपीट करूं संगम, कुछ नहीं, एक लाइन रिपीट कर देती हूं। देखो, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात कहीं पे भी अभिवचन नहीं कर सकता, बात क्लियर है, लेकिन हाई कोर्ट का न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में भी अभिवचन का काम कर सकता है, और ऐसे हाई कोर्ट जिसमें उसने काम किया है उनको छोड़ के बाकी के जो हाई कोर्ट है उनमें काम कर सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया कि एक व्यक्ति ने हरियाणा, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में एज अ न्यायाधीश काम किया, तो ये व्यक्ति इन चार न्यायालयों को छोड़ के, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और एमपी, इन चार न्यायालयों को छोड़ के बाकी के हाई कोर्ट में भी अभिवचन कर सकता है, ठीक है, ध्यान रखिए। बहुत बढ़िया, आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा, ये बोल रहे हैं ना उच्च न्यायालय का अभिवचन नहीं कर सकता, तो दो गलत है, आंसर इसका हो जाएगा, कहां गया एक। नेक्स्ट बताओ भाई, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देगा, भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। अच्छा, उच्च न्यायालय का पूछ रहा है ना, इसलिए ध्यान से करना, और राज्य के राज्यपाल को, आंसर बताओ फटाफट। अमर, मेरी क्लासेस यहीं पे होंगे अब, ठीक है, हमारी अपनी अकेडमी है, ललिता दहिया अकेडमी, हमारी अपनी अकेडमी है, ध्यान रख लेना, हम सबकी अपनी अकेडमी है। वेरी गुड, ब्लंडर मत कर देना। क्या याद रखना है फिर से, नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश प्लस हाई कोर्ट के न्यायाधीश। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रोसेस और आधार सेम टू सेम होंगे। तीसरी बात, ये त्याग पत्र किसको देंगे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी और हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी, जिसने नियुक्त किया है उसी को त्याग पत्र देंगे। नियुक्त किसने किया है, राष्ट्रपति महोदय ने किया है, भाई नियुक्त राष्ट्रपति ने किया है, तो त्याग पत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। वेरी सिंपल, ध्यान रख लेना, ऐसे सिंपल ना पूछ के आप लोगों से स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को त्याग पत्र दे के पद से हट सकता है। मेरी बात समझे, समझे मेरी बात,
इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को त्याग पत्र दे के पद मुक्त हो सकता है, गलत हो जाएगा, जो नियुक्त करता है वही हटाएगा, ध्यान रखना। ये कभी पूछ ले आप लोगों से, 2011 में राज्यसभा में महाभियोग लगा था पहली बार, सुमित्र सेन न्यायमूर्ति थे, राज्यसभा में पारित हो गया था, मैं बता देती हूँ आप लोगों से, नहीं पूछूंगी, राज्यसभा में प्रस्ताव पारित हो गया था इससे पहले कि लोकसभा में पारित होता, ये न्यायमूर्ति सुमित्र सेन खुद हट गए थे, ध्यान रखें, ठीक है। तो महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया गया था कहां पे, सॉरी किसके खिलाफ, सुमित्र सेन। ये बताओ भाई, भारत में मोबाइल कोर्ट यानी चलित न्यायालय, भारत में चलित न्यायालय का मानस पुत्र मतलब होता है किसके दिमाग की उपज है ये, न्यायमूर्ति भगवती, राजीव गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, कभी पीसीएस वगैरह में तो बिल्कुल सीधा पूछा जा सकता है। सुमी क्या हो गया बच्चे, मैंने कितने कमेंट कर दिए, ऐसी बात नहीं है बच्चे, जिसका नाम दिखता है, पढ़ाई पे ध्यान दो, बहुत बढ़िया, याद रखिएगा कभी आप लोगों से सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है कि भारत में जो मोबाइल कोर्ट्स हैं या चलित न्यायालय हैं वो किसके दिमाग की उपज है, इसका मानस पुत्र, तो एपीजे अब्दुल कलाम का, ध्यान रखिएगा। ये बताइए प्रिवेंटिव डिटेंशन, आर्टिकल 22 एक अलग से करवा दूंगी आप लोगों को, यहां से सीधा क्वेश्चन बनता है और बहुत उलझा हुआ क्वेश्चन बनता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाए रखा जा सकता है, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, ABCD। यार कोई फीस नहीं है यहां पे सुमी, ध्यान रख लेना, कुछ भी फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक पैसा नहीं देना है यार, कैसी बात कर रहे हो मैम, फीस ध्यान रख लेना, एक सिंगल पैसा नहीं लग रहा है, आराम से आओ क्लासेस देखो, लेकिन मेरा ये दायित्व है यार, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे से पता है, मेरी कभी जर्नी शेयर करूंगी अपनी, मेरी सफलता ना आप लोगों की सफलता से जुड़ी हुई है, मैं इमोशनल हो जाती हूँ बोलते हुए, यदि 10 लोग भी सफल हो गए मेरी वजह से तो मैं अपने जीवन को सफल मानूंगी, याद रखना। तो बिल्कुल जीरो फीस है, कोई फीस नहीं देनी आपको, आराम से पढ़ाई करो, ठीक है, ध्यान रखना, आंसर हो जाएगा 3 माह, आंसर हो जाएगा 3 माह, ठीक। इस आर्टिकल 22 को अलग से करा दूंगी, अलग से क्लास लेके आऊंगी आर्टिकल 22 पे, यहां मैं डिटेल से बताऊंगी तो फिर क्लास ओवर हो जाएगी। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 22 ये दोनों मेरे होमवर्क है, जल्दी ही आपको क्लास मिल जाएगी, या तो लाइव करवा दूंगी या फिर वो कर दूंगी, पब्लिश कर दूंगी, इस पे कोई जरूरत नहीं है इसकी। ये बताओ भाई, लोक अदालत की भी मैं एक क्लास लेके आऊंगी, यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ध्यान रखना। लोक अदालतों के संबंध में कौन सा सही है, लोक अदालतों की अधिकारिता मुकदमा दायर करने से पहले के मामलों का निपटारा करने की है, और उन मामलों का नहीं जो किसी न्यायालय में लंबित है, यानी जो मामले किसी न्यायालय में लंबित है उनको लोक अदालतों में नहीं लाया जा सकता, ये बोल रहा है कथन एक। दूसरा, लोक अदालतें ऐसे मामलों का निपटारा कर सकती हैं जो सिविल ना कि आपराधिक प्रकृति के हैं। अच्छा जी, लोक अदालत में केवल सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारी ही नियुक्त हो सकते हैं, कोई अन्य नहीं, उपरयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है, आंसर क्या होगा। थैंक यू A2 मोटिवेशन, थैंक यू सो मच बच्चे, आशीष थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू सो मच, आंसर वेरी गुड, आंसर होगा D, कुछ भी सही नहीं है इसमें। पहली बात, लोक अदालत में केवल शुरुआती मुद्दे ही नहीं लाए जा सकते, मान लो इसको कैसे याद रखेंगे, मान लो दो पार्टी है, एक पार्टी ये है एक पार्टी ये है, जोश जोश में मुकदमा चले गए हाई कोर्ट, अब फैसला हो ही नहीं रहा है, 7 साल से घिस रहे हैं, 7 साल से चप्पलें घिसा रहे हैं अपनी, समझ गए, अब इन्हें लगा कि भाई साहब ऐसा है, मिलके बैठ के समझौता करते हैं लोक अदालतों के माध्यम से, तो ये बिल्कुल जा सकते हैं। तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होती दोस्तों कि डायरेक्ट हम लोक अदालतों में जाएं, वही मुद्दे लोक अदालतों में आएंगे, बल्कि ऐसे मुद्दे भी आ सकते हैं जो अन्य अन्य न्यायालयों में चल रहे हैं, दोनों पार्टीज को लगता है कि बैठ के बात करते हैं, समझ गए। तो पहला गलत है। दूसरा गलत है कि लोक अदालतें केवल सिविल ही नहीं, बल्कि छोटे मोटे जो आपराधिक प्रकृति के मामले होते हैं उनको भी सुलझाती है। कभी भी स्टेटमेंट दे देगा कि लोक अदालतें केवल सिविल मामलों के में ही सुनवाई का अधिकार रखती हैं, तो गलत हो जाएगा। मोनिका समझ नहीं आया, मैं दोबारा बता, देख लोक अदालतें कुछ नहीं यार, ये बोल रहा है केवल वही मामले जाएंगे जो डायरेक्ट लोक अदालतों में जाएंगे, ऐसा नहीं होता। यदि कोर्ट में जो मामला चल रहा है और दोनों पार्टीज को लगता है कि लोक अदालतों के माध्यम से हम इनको सुलटाएं, तो फिर वो उस समय भी जा सकते हैं। दूसरा, इसमें सिविल के साथ साथ आपराधिक मामलों की भी सुनवाई होती है,
तीसरा, केवल सेवारत और सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही नियुक्त नहीं होते, इनके लिए अलग अधिकारियों की भी व्यवस्था की जाती है। आंसर हो जाएगा कोई भी सही नहीं है। मुझे ये बताओ, ये लोक अदालतें आपको बहुत परेशान करती हैं, क्या मैं लोक अदालत से रिलेटेड एक 20-25 मिनट की वीडियो ले आऊं? यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है जैक, अलग से करवा दूंगी, ठीक है। कृपया करके वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ये हमारा अपना चैनल है, ठीक है, इस बात की खुशी है हम सबको। जैसे यहां से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया 2016 में, ग्राम न्यायालय अधिनियम क्या है जी, चलो देख लेते हैं, कभी आगे ना पूछ ले तो बताने क्या सही है। इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। दूसरा, यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादी, स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादी क्या होते हैं भाई, गांव देहात में देखा होगा ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्टिव तरीके से काम करते हैं, हर मामले में आके मामला निपटवाने का काम करते हैं, एक्टिव होते हैं, तो उनको मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। आंसर क्या होगा, ए बी सी डी। 323 वाला तो मैं करवा ही दूंगी यार, 323 तो बहुत अच्छा है। मैं जल्दी जल्दी, एक एक दिन में चार चार क्लासेस आएंगी अपनी, छोटी छोटी, बहुत बढ़िया। याद रखिएगा आंसर दो, पहला गलत है, ग्राम न्यायालय अधिनियम के तहत, ध्यान रख लेना कभी आगे क्वेश्चन पूछ ले 22 में पीटी में स्टेटमेंट में, तो ग्राम न्यायालय अधिनियम है 2008 का, ग्राम न्यायालय अधिनियम के तहत जो ग्राम न्यायालय है केवल सिविल मामलों को ही नहीं देखेगा, छोटे मोटे आपराधिक मामलों को भी देखेगा, पहली बात। और दूसरी बात बिल्कुल सही है, पहला कथन गलत है और दूसरा बिल्कुल सही है, जो जो न्यायिक सामाजिक सक्रियतावादी होते हैं उनको मीडिएटर के तौर पर ये शामिल करते हैं, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। इस तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, एक बार ये बताओ मुझे, पहली बात तो थम्सअप दे दो और उसके बाद बस ये बता दो कि एक बार 10 मिनट में क्या मैं इसको फटाफट रिवाइज करा दूं, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगाऊंगी, लेकिन अगर एक बार मैंने रिवाइज करा दिया ना, इतने सारे क्वेश्चन सब करा दूंगी, उसके बाद भूलोगे नहीं कभी भी, ये बताओ रिवाइज करा दूं? अब जहां इतने देर से भूखे बैठे हो, 10 मिनट और मेरे लिए नहीं अपने लिए, रिवाइज करा लू? चलो फटाफट, सबसे पहली बात हमको ध्यान रखनी है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय की शुरुआत कब हुई, उद्घाटन वगैरह पीसीएस वगैरह में पूछेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कब हुई, तो 25 जनवरी 1950 ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। स्वीकृत क्षमता कितनी है अभी उच्चतम न्यायालय में, कितने न्यायाधीश हैं, तो आपको पता होना चाहिए 34 न्यायाधीश हैं, 1+33, मैं उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही हूँ, एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 33 दूसरे होंगे, तो 1+33, पहली बात। दूसरी बात, ये न्यायाधीश बढ़ाने की शक्ति किसके पास है, आप लोगों से कभी स्टेटमेंट में दे दे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को बढ़ाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, तो गलत हो जाएगा, कौन बढ़ाएगा, संसद बढ़ाएगी, ध्यान रखिएगा, तो संसद को बढ़ाने का अधिकार है, ये आपको पता ही है, 34 है, ठीक है, ये कई बार रिपीट होगा, 34 है, 34 है। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा हुई है, तो आपको पता है भारत के संविधान के तहत ही, भारत के संविधान के तहत ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है, आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147, आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक आपको सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था दिखेगी। और जो बच्चे नए आ रहे हैं वो ये मत सोचना यहाँ रेल चल रही है, ये सब पढ़ा चुकी हूँ, फास्ट रिविजन कराती हूँ मैं क्लास के लास्ट में, ताकि आपने जो जो पढ़ा है वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है, जो नए बच्चे हैं वो ध्यान से सुनना। इसके अलावा ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय है तो वो सभी मामलों को सुनेगा, भले ही कोर्ट मार्शल से संबंधित मामले भी हैं उनको भी सर्वोच्च न्यायालय सुनता है। जैसे इसमें क्या गलत था कि कोर्ट मार्शल को छोड़कर, तो ये गलत था, कोर्ट मार्शल के साथ हर विषय वस्तु को सर्वोच्च न्यायालय सुन सकता है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है, तो आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि संसद जो है, संसद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है और अलग अलग समय पर बढ़ाए गए हैं, जैसे वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में, 1+33, और ये शक्ति किसके पास है, ये शक्ति है किसके पास है, संसद के पास है, ध्यान रखना। ये बताइए सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिख के देगा, तो किसको बताया था भाई, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, तो त्याग पत्र किसको देंगे, जो जिसने नियुक्त किया वही हटाएगा, जिसने नियुक्त किया उसी को त्याग पत्र दिया जाएगा।
तो ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनको पद, दोनों को पद से हटाने की प्रक्रिया समान है। संसद हटाएगी, राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे। ये दोनों त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। समझ में आ गया? बिल्कुल चीजें क्लियर हो रही है ना? ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? तो आपको पता है कौन हटाएगा? संसद की सिफारिश पे राष्ट्रपति हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? तो आपको पता है संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, जब विशेष बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित कर देंगे। विशेष बहुमत क्या होता है? कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान देने वालों का 2/3। ठीक है, और यदि बहुमत पे भी आप लोगों को डाउट है तो मुझे लिख के कमेंट में बताइएगा, उस पे भी मैं एक 20-25 मिनट की क्लास ले आऊंगी। तो ध्यान रखना कैसे हटाएंगे, तो राष्ट्रपति हटाएंगे संसद के बहुमत के आधार पर। तो ये आपको पता ही है कैसे हटाए जा सकते हैं, संसद में महाभियोग के प्रस्ताव के आधार पर हटाए जाएंगे। हालांकि महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है संविधान में, आपको पता है ना, महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल आर्टिकल 61 में हुआ है, जहां पे है राष्ट्रपति को हटाने की बात। ठीक है, लेकिन विशेष बहुमत की बात है दोनों में। ये मैं आप सब आप लोगों को करवा चुकी हूँ। सेवानिवृत्ति की आयु 62 है हाईकोर्ट की, 65 है सुप्रीम कोर्ट की। वेतन कौन निर्धारित करेगा इनका? ध्यान रखना, दे देगा वेतन निर्धारित करेंगे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। राष्ट्रपति तो गलत हो जाएगा। तीन चीजें, राष्ट्रपति नियुक्त किए, संसद इनकी संख्या में वृद्धि कर सकती है, संसद इनकी संख्या में वृद्धि कर सकती है, संसद इनके वेतन को निर्धारित करती है, वेतन को बढ़ा सकती है संसद, और इनके क्षेत्राधिकार में वृद्धि कौन कर सकता है? संसद। तीनों चीजें याद हुई। संसद क्या क्या करेगी जी? संसद इनकी संख्या को बढ़ा सकती है भाई, 20 से 33 कर सकती है, 34 कर सकती है, आगे 45 कर सकती है, संसद करेगी। इनका वेतन कौन निर्धारण करेगा? संसद करेगी। इनका क्षेत्राधिकार कौन निर्धारित करेगा? संसद करेगी। तीन पॉइंट याद हो गए, थम्स अप दे दो। ठीक, बहुत बढ़िया, ये सब मैं करवा चुकी हूं, विचार विमर्श ये सब ध्यान। मैं एक बार और बता देती हूँ, जैसे उच्चतम न्यायालय की रक्षा हेतु, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति किससे? मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करेंगे ही। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश हटाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। कौन हटाएगा? संसद हटाएगी विशेष बहुमत से, राष्ट्रपति साइन करेंगे। न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। यहाँ विधानमंडल से आशय है संसद से। ये बात आपको पता है कि जिस भी व्यक्ति या जिस भी पद के वेतन संचित निधि पे भारित होते हैं उस पे संसद को मत देने का अधिकार नहीं होता है। यहां से आईएएस में 2 से 3 बार क्वेश्चन बना है। क्या हो गया रुद्रांशी? बच्चे रिवीजन चल रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, तो मत देने का अधिकार नहीं है, बाकी आपको पता ही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ध्यान रखना, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। कहां पे? आंसर डी, किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट वाले कहीं पे भी वकालत नहीं कर सकते भाई, वो न्यायाधीश रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो ये उनके पद की गरिमा के खिलाफ होगा, या यदि वो किसी अन्य न्यायालय में, हाई कोर्ट में जाके वकालत करेंगे तो। मेरी बात समझे, किसी भी कोर्ट में वकालत नहीं कर सकते, लेकिन जो हाई कोर्ट वाले हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी वकालत कर सकते हैं और उन दूसरे हाई कोर्ट में भी वकालत कर सकते हैं जहां पे उन्होंने एज अ क्या नाम है न्यायाधीश काम नहीं किया हो। समझ में आया? ध्यान रखना। नेक्स्ट, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? कई बार बताया है, 2021 में यहां से क्वेश्चन भी सीधा पूछा है, इस बार तदर्थ पूछ सकता है। ध्यान रखना, मुख्य कार्यवाहक की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति और तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे कौन? CJI। ठीक है, आएगा ये क्वेश्चन। जैसे भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। सिंपल, किसी की सलाह वलाह से नहीं करते, राष्ट्रपति करते हैं। यहां कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ये दे दे भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति, तो ये गलत हो जाएगा भाई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है, अब मुख्य न्यायाधीश तो छुट्टी पे गए हैं, किससे सलाह लेंगे? राष्ट्रपति। समझ गए? तो केवल राष्ट्रपति आंसर होगा। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो किसकी सलाह पे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के आधार पे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। सिंपल सी बात है। तदर्थ न्यायाधीश एडहोक, रिविजन सही हो रहा है ना? घबराना मत दोस्तों, ये सारी क्लास में बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ। मेरा ये दायित्व रहता है क्लास के लास्ट में 10 मिनट फास्ट रिवीजन करा दूं, ताकि दिमाग में चीजें बिल्कुल टिप्स पे हो जाएं, है ना?
घबराना नहीं है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाती है, आईएएस में पूछा है, दो चीजें याद रखनी है। पहली बात, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति तब की जाती है सुप्रीम कोर्ट में जब कोरम पूरा नहीं होता सुप्रीम कोर्ट में, पहली बात। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रोविजन है ये केवल कहां है, सुप्रीम कोर्ट में है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रोविजन केवल सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों दे देगा, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की का जो प्रोविजन है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट में भी है, तो क्या हो जाएगा, गलत। तदर्थ न्यायाधीश केवल सुप्रीम कोर्ट, दूसरी बात जब कोरम पूरा नहीं होता, तीसरी बात तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, सीजीआई करेगा, कौन करेगा, सीजीआई जी करेंगे, सीजीआई करेंगे किसके, राष्ट्रपति की सलाह पे, राष्ट्रपति के परामर्श पे, और उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पे जिस हाई कोर्ट से तदर्थ न्यायाधीश को मंगवा रहे हैं। मान लो हम तमिलनाडु हाई कोर्ट से तदर्थ न्यायाधीश को ला रहे हैं, तो तमिलनाडु हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पे, थम्स अप दे दो। दोस्तों मैं यहाँ पे फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है। एसपी क्या हो गया बच्चे, तुम तो पुराने स्टूडेंट हो, ठीक है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रोविजन है अभी मैंने बताया, तो कहां पे, तो केवल सर्वोच्च न्यायालय में प्रोविजन है, कोरम नहीं पूरा होता तब नियुक्ति करेंगे सीजीआई, राष्ट्रपति और उस संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से जहां से हम तदर्थ न्यायाधीश को ला रहे हैं, ठीक है। ये देख लेना, हाँ ये ध्यान रख लेना कि ऐसा कोई मामला होता है ना जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा करता है, तो उसमें कम से कम 5 जज होने चाहिए। याद है ना आपको कि भाई सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा करता है तो मुख्य न्यायाधीश के अलावा 5 जज होने चाहिए। संविधान की व्याख्या से संबंधित यदि कोई प्रश्न आएगा, संविधान की व्याख्या से संबंधित यदि कोई प्रश्न आएगा तो अकेले मुख्य न्यायाधीश उस पर डिसीजन नहीं देते, बल्कि कम से कम पूछा है, कम से कम कितने जजों की बेंच होनी चाहिए, तो कम से कम 5 जजों की बेंच होनी चाहिए। ध्यान रख लीजिएगा, अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। जैसे केशवानंदवाद में संविधान के निर्वचन की व्याख्या का मुद्दा आया तो केशवानंदवाद में 13 जजों की बेंच थी, लेकिन कम से कम कितने होने चाहिए, तो 5 होने चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निर्णय कौन करेगा, तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता है। आर्टिकल बताओ मुझे सबसे पहले, देखो आईएएस 2014 में सिंपल क्वेश्चन था, कौन बताएगा, नहीं 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 13 क्यों लिख रहे हो, पूरा आर्टिकल मुझे ये बताओ कि केंद्र और राज्यों के बीच जो विवादों का निर्णय है वो उच्चतम न्यायालय की किस शक्ति, वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार, मन खुश कर दिता आप लोगों ने मेरा, बहुत बढ़िया। आर्टिकल 131, और आप लोगों का होमवर्क भी है, 2 मिनट लगेगा देखने में। आर्टिकल 131 मूल अधिकारिता के अंतर्गत, यानी कि हम हाई कोर्ट नहीं जा सकते इसको लेके, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यदि केंद्र राज्य का विवाद हो, राज्य राज्य का विवाद हो, एक तरफ केंद्र तथा कुछ राज्य और दूसरी तरफ राज्य हो, ये सारे मामले मूल अधिकारिता में आएंगे, अनन्य अधिकारिता में आएंगे, यानी केवल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और दूसरी बात, यूटीज इसमें शामिल नहीं, सब पता है आपको। अब जैसे देखो आईएएस 2014 में क्वेश्चन पूछा, आईएएस 2012 में सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ एक बार उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में क्या क्या आएंगे, भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच का विवाद, संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल में चुनाव पर विवाद, भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र का विवाद, 2 या 2 से अधिक राज्यों का विवाद, आंसर बताओ फटाफट, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ललिता मैडम का लाडला, थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच, आंसर दो, क्या बोल रहे हो विकास, आप यहां हो मैं आपको निकल, विकास टेलीग्राम, जो भी बच्चे नए हैं या मेरे जो पुराने स्टूडेंट हैं, मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, ललिता दहिया एकेडमी, ये हमारा अपना चैनल है, हमारी अब सारी क्लासेस यहीं चलेंगी, पॉलिटी हिस्ट्री करंट मेंस की आंसर राइटिंग एस्से सब कुछ यहीं चलेगा, ठीक है, वेरी गुड, याद रखना आपको पता है आंसर हो जाएगा 1 और 4, क्योंकि चुनाव से संबंधित और ये कोई मतलब नहीं है, आर्टिकल 131 प्लीज ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। आपको ये पता ही है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की शक्तियों के विषय में क्या कथन सही नहीं है, तो ये है ना, जनता के मूल अधिकारों की अनन्य शक्ति बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास मौलिक अधिकारों से संबंधित शक्ति है 32 और 226, ठीक है, कोई बात नहीं। मूल ढांचा आपको पता है केशवानंद भारतीवाद में है, मूल ढांचा केशवानंद भारतीवाद में आएगा, आपको बहुत अच्छे से पता है। और संविधान का निर्वचन का मुद्दा हो तो कम से कम कितनी बेंच होनी चाहिए, तो 5 न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए।
ये किसने मूल अधिकार व्यक्ति को, कोई बात नहीं है। ये आपको पता है कि इंदिरा साहनीवाद, चिकनी परत, क्रीमी लेयर की अवधारणा, इंदिरा साहनीवाद, विशाखावाद, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, याद रखना यहां से क्वेश्चन बनते हैं। मेनका गांधीवाद 14-19-21 अपवर्जी नहीं है। और ये जो विदेश यात्रा का अधिकार है ना दोस्तों, ये भी मेनका गांधीवाद से ही जुड़ा हुआ है, बेला बनर्जी से नहीं जुड़ा हुआ है, बता चुकी हूं मैं। सर्वोच्च संविधान की व्याख्या, ये बताओ संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं, ध्यान रखना संविधान की व्याख्या से संबंधित जो भी विवाद आएंगे वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत आएंगे। ये हो गया, ये सब आपको पता है। सुधारात्मक याचिका ये मैं बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ। पुनरावलोकन, पुनरावलोकन बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ क्या होता है पुनरावलोकन। पहली बात, यहाँ दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो पुनरावलोकन पे यदि ऑप्शन ये हो कि भाई अपने पहले के निर्णयों को परिवर्तित करने का अधिकार है तो आंसर ये हो जाएगा। लेकिन यदि दो ऑप्शन हो कि अपने निर्णयों को परिवर्तित करने का अधिकार है और दूसरा ऑप्शन हो कार्यपालिका के निर्णयों को वैध या अवैध घोषित करने का अधिकार है, तो आंसर होगा दूसरे वाला, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ यार। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, ये देखो आईएएस 2019 में पूछा था क्वेश्चन कि किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, केंद्रीय विधियों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट भी अधिकारिता रखते हैं, याद आ गया। और दूसरा आपको पता ही है, भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। क्यों नहीं उठाया जा सकता? जुडिशियल रिव्यू किस काम का? तो याद रखना आईएएस में ऐसे, अब आपको ना पॉलिटी के क्वेश्चन लगेंगे हलवा। और एक बार शुरू से जो नए बच्चे हैं, आप यकीन मानिए पुराने बच्चों को पता है, एक बार क्लासेस को कर लिया, सिर्फ मैं क्वेश्चन नहीं करवाती यार, मेरा टारगेट क्वेश्चन करवाना नहीं होता, आपके दिमाग में चीजें फिक्स करना होता है। कल बीपीएससी का पेपर हुआ है और मेरे स्टूडेंट से ही बताया कि बीपीएससी में पूरा हिस्ट्री, पूरा पॉलिटी हमारी क्लासेस से आया है, डायरेक्ट आया है, याद करवा के भेजती हूँ आपको घर। तो इसलिए विश्वास करिए और पढ़ते रहिए। न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ है, कहाँ कहाँ है? तो आपको पता है भारत में भी है, यूएसए में भी है। यूएसए में विधि की उचित प्रक्रिया, भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब मुझे ये बता दो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से हमने लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया है, कौन बताएगा सबसे पहले? कौन बोला? वेरी गुड निलेश, बहुत बढ़िया अंजलि, थैंक यू रामजपाल। इजी ही लगेगा, ध्यान रखना भारत और यूएसए दोनों में। लेकिन यार हमारी व्यवस्था इतनी चरमरा गई है ना, मतलब बच्चे इतनी मेहनत करते हैं एग्जाम से पहले, अलग अलग जगह कितने गरीब बच्चे होते हैं, एक तो सेंटर इधर उधर फेंक देते हैं, मतलब यार वास्तव में गरीबी को हम जानते हैं बहुत अच्छे से। और बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास किराए का पैसा नहीं होता यार, वो अपना किराया खर्च करके इधर उधर जाते हैं, रुकने की व्यवस्था करते हैं, खाने की व्यवस्था करते हैं, एक सपना होता है उनकी आंखों में, और फिर अचानक से आप पेपर लीक कर देते हो और जो है हो जाता है काम खत्म। कब तक चलेगी भाई ये व्यवस्था? आपको अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत गलत हुआ कल का पेपर, बहुत ही ज्यादा गलत हुआ, कैंसिल हो गया, होना भी चाहिए। और कोई बात नहीं, होप है, आशा है, पढ़ते रहिए, अच्छा समय जरूर आएगा। ठीक है, ये आपको सब पता है भाई, न्यायिक पुनरीक्षण यहां से फिर कंटिन्यू मेरा हो ही गया। ठीक, ये रिवीजन कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ। तो मुझे ये बताइए क्लास कैसी लगी, सब कुछ समझ में आया? तो दोस्तों मैं फिर से बताना चाहूंगी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल फॉर योर सपोर्ट, इतना विश्वास करने के लिए दिल से धन्यवाद। और फाइनली कहूंगी कि जीत जाएंगे हम किसी भी कीमत पे। दोस्तों ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी, ललिता दहिया अकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, पीडीएफ सब कुछ। ये जो क्लास मैंने करवाई है अभी, इसका पीडीएफ आपको अगले 15 मिनट में इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगा, डाउनलोड करके 10 मिनट दे दोगे ना, सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट से भी और हाई कोर्ट से भी। तो क्लास कैसी लगी, एक मिनट ले लूं आप लोगों के? थैंक यू काजल, थैंक यू सो मच, सनी, शिवानी, राज, रंजेश, मोटिवेशन, विनोद, आफशा, सीबीआई, संगम, सिंपी, राजदीप, प्रीति, मोनिका, थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू सो मच।
बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सलमान, वीरेंद्र, अमर, ललिता मैडम का लाडला, बहुत बढ़िया, अखिलेश, मनी, थैंक यू सो मच गाइज। ध्यान रखना शाम को 4:30 बजे, अभी पढ़ाई करो, शाम को 4:30 बजे अपनी क्लास होगी मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यू। और याद रखना केवल क्लास नहीं होगी, याद करके घर जाओगे, जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसी तरीके से हम मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू करेंगे। पहले जो हम स्पेशल क्लासेस में कर चुके हैं टॉपिक वहां से नहीं कर रहे हैं, जो नए बच्चे हैं वो ध्यान रखना दोस्तों, अभी मेरे को जो पीटी दे रहे हैं इस बार आईएएस का, उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए करवाना पड़ रहा है, क्योंकि उनको मैं पहले के टॉपिक करवा चुकी हूँ। हम रोलेट एक्ट से शुरू करेंगे और फिर किसी दिन हम 3 घंटे की क्लास लेके आएंगे, मैराथन लेके आऊंगी हिस्ट्री का, जिस दिन हम पूरा शुरू से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको फटाफट डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आज की क्लास रोलेट एक्ट से शुरू होगी, तो जुड़े रहिए मेरे साथ, फटाफट टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है, हमने बहुत छोटी शुरुआत की है, बहुत ही छोटी, लेकिन पता नहीं क्या पता ये शुरुआत जो है बहुत बड़ी बन जाए, वो आप लोगों के सहयोग से ही बन सकती है। आप लोगों के सहयोग के बिना मैं जीरो हूँ और आप लोगों के साथ मैं हीरो हूँ, ध्यान रखना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करवा दीजिए, जो भी आपके ग्रुप्स हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आपके फेसबुक ग्रुप्स हैं, जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, और आपको यदि लगता है कि मैं उद्धार कर सकती हूँ आप लोगों का, मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, तो आप कृपया करके इसको वायरल कीजिए यार, अभी आप लोगों के साथ ही मेरी ताकत है, और अगर आप लोग चाहेंगे तो बहुत आगे हम बहुत जल्दी जा सकते हैं, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, वायरल करवाइए, और हर जगह शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जहां जहां पे भी बच्चों आपको दिक्कत है पीटी से पहले, आप चाहते हैं कि एक 20 मिनट 15 मिनट में मैं फास्ट क्लास लेके आप लोगों को वो टॉपिक करा दूं, तो कमेंट में आप मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज, पढ़ते रहिए। रामजपाल, थैंक यू सिंपी, ठीक है दोस्तों, फटाफट पढ़िए, मिलेंगे 4:30 बजे इसी प्लेटफॉर्म पे, ललिता दहिया अकेडमी, हम सबकी अपनी अकेडमी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।